जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंद जाहाय दिव्यनना अभीष्ट पुरत तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रीदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजा महे भागव स्वरूप जन प्रभजंत मन पेत अपेत कृत्य द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनयो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाना बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म मिथिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म मिथिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनता ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किया। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है, जिसको उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी बोले बोले कलयुग के बल ना माधारा कलयुग के ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम पुण सकता। इसलिए बोले केवल, केवल मतलब कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम को छोड़ करके बोले नहीं थोड़ा ध्यान करनी चाहिए है, दूसरों उपाय से भगवान को प्राप्त करे। कलि संतरण उपनिषद में बताते हैं हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में हरि के नाम के सिवाय, पहला लाइन में तीन बार बताया हरि का नाम, दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं,
मतलब ठाकुर का नाम को छोड़ करके कलयुग में और कोई उपाय नहीं। कलिए तीन बार की बता है, एक बार बोलने का, तीन बार की बता है, बोलिए कलयुग का जीव है ना, और एक बार बोलने से नहीं सुनेगा, तभी इधर उधर घूमते रहेगा, अरे ये करे ये करे वो करे, इसलिए यहाँ पर तीन बार बताए भैया। तीन बार मतलब त्रिशत करके, मतलब ठाकुर का नाम के सिवाय कोई गति नहीं, इसलिए क्या करो ठाकुर का नाम ही, कलयुग में ठाकुर का नाम ही जप करो। कहते ये कलयुग में जो ठाकुर का नाम की महिमा ऐसे नहीं, कहते ये हर युग में था है। अब भागवत में कथा सुनेंगे गजग्रह, जिस समय हाथी ने पानी पीने के लिए गया था, पानी पीने के लिए गया था, उसी समय ने एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, अभी तक तो अपना स्त्री पुत्र परिवार के साथ में जल विहार कर रहा था, लेकिन जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया ना, एक एक करके धीरे धीरे चलते गए, जितने बीबी बच्चे सबके सब एक एक करके सबके सब चले गए। यहाँ से क्या कहते हैं भैया, दुनिया ऐसे है ना, जब तक तुम्हारे पास में पैसा है, जेब में पैसा है, बोले कि तुम कैसे हो, और पैसा घर अब तुम हो, कहते जगत बड़े स्वार्थ का जगत है, जब तक उनका किसका मतलब पूरी नहीं हो जाते हैं, तब तक सबके सब है, लेकिन जब मतलब पूरी हो जाता है ना, फिर दुनिया में कोई किसको पूछते नहीं, एक एक करके सबके सब चले गए। इतने में हाथी ने धीरे 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 हाथी को मगरमच्छ धीरे धीरे पकड़ करके धीरे धीरे अंदर में ले जा रहा है। जब तक नाक नहीं डूबता है, तब तक तो संघर्ष किया, लेकिन जब नाक डूबने लगा फिर तो बचेगा नहीं। इतने में उसने एक फूल को लेकर के ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। देखो भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया मेरे को खुश करने के लिए ज्यादा फूल देने का जरूरत नहीं, ऐसे नहीं भगवान को खुश करने के लिए हीरे जवाहरात रुपया पैसा से ठाकुर जी खुश होते हैं। भगवान कहते हैं मैं केवल प्रेम का ही भूखा हूँ, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्याः प्रयच्छति। ठाकुर ने भगवत गीता में चार चीज का नाम लिया है, कहते पत्रम मतलब पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, फल और पान, कहते जो चीज बिना पैसा में मिल जाए, कहते इसको खरीदी करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं, बिना पैसा से ये चार चीज मिल जाती है। चार चीज में कोई भी एक चीज अगर ठाकुर को दे करके बुला लो ना, ठाकुर उसी से ही खुश हो। बोले पत्र, पता किसी ने दिया था ठाकुर को, बोले विदुर ने दिया, दुर्योधन ने ठाकुर जी के लिए छापन भोग और छत्री से व्यंजन बना कर रखा था, सोच रहा था कृष्ण को ग्वाला खिला करके खुश कर लेंगे, लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केवल भगवान को पत्ता देकर के केले का छिलका देकर के ठाकुर जी को खुश कर लिए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जयकार सुनते तो कोई आंख बंद कर बैठना नहीं, फिर भी दिया जाए ठीक है ना, कोई आंख नहीं बंद करना, सब आंख खोल कर कथा सुन लो। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जय। इसलिए पत्रम पुष्पम मतलब फूल से किसने संतुष्ट कर दिया गजराज, उसने केवल उन्होंने एक कमल का फूल ठाकुर जी को अर्पण किया। फूल अर्पण करते ही ठाकुर जी को कहते जीवन में दो बार ठाकुर को जल्दी मचा है, बोले एक तो द्रौपदी की वस्त्र हरने में और दूसरे जब ये गजराज ने केवल नाम रा बोला, अभी यण नहीं बोला, केवल उसने दो अक्षर उन्हें उच्चारण किया, जब ना रा बोला, इतने में ठाकुर जी गरुड़ देर नहीं करते, ठाकुर जी गरुड़ को भी छोड़ दिया और उन्होंने अपना चक्र को भेज दिया, केवल ना रा केवल दो अक्षर बोले, इतने में सुदर्शन चक्र ने क्या किया, मगरमच्छ को उन्होंने काट डाला मगरमच्छ को है। इसलिए कहते पत्रम पुष्पम फलम, फल से किसने संतुष्ट किया, बोले सबरी, सबरी के झूठे बैल खाए, बहु की स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी का बैल खा कर बोले सबरी, तेरी झूठे बैल में जो स्वाद है ना,
कहते मेरे को वैकुंठ में मेरी लक्ष्मियां इतना मेरे लिए छापा भोग छत्तीस गए मेरे को भोग लगा के, लेकिन तेरे झूठे भैर में जो स्वाद आया वैकुंठ में वो स्वाद मेरे को नहीं आता है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, त्वयम मतलब होता है पानी। अगर भक्ति पूर्वक ठाकुर को थोड़ा पानी पी गई ना, बोले पानी किसने दिया, बोले श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान को बोलो तो वृंदावन से ये मर्त्य जगत में पधारने के लिए तुलसी और गंगा पानी प्रदान किया। ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके ठाकुर जी ये मर्त्य जगत में आ गए। इसलिए हाथी भगवान ने किया कि आज हाथी की हाथी को रक्षा करके ठाकुर जी मगरमच्छी को मैंने वध किया। अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया हाथी कभी भगवान को बुला सकता है? आप बताओ कोई प्राणी कोई जानवर कोई क्या भगवान को भी जानवर क्या बुला सकता है? जानवर कहते बुला नहीं सकते हैं। पर ये हाथी ने भगवान को बुलाया कैसे? पर ये जो हाथी है ना ये पूर्व जन्म में ये इंद्रदुम्न राजा थे। एक समय ये भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। एक अगस्त मुनि ने जब आए वो ठाकुर जी को सेवा पूजा कर रहे थे। इतने में राजा ने देखा अगस्त मुनि आए बैठ जाएंगे, अभी तो मैं ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ, ठाकुर जी से ये थोड़ी बड़ी। इतने में अगस्त जिसको क्रोध आया, बोले तू तो भजन कर रहे हो, लगता है किसी शुद्ध साधु से तुमने भजन पद्धति नहीं सीखा है। नियम है कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाभ पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। अगर भगवान अगर गुरु खड़े हुए हैं पहले किसकी चरण में प्रणाम करनी चाहिए? भगवान कहते हैं प्रथमंतु गुरु पूज्यम, पहले गुरु जी के चरण की प्रणाम कर उसको बाद में ठाकुर जी हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं हे अर्जुन जन्म जना जनापार न में भक्तास्ते जना। अगर कोई कहता है मैं भगवान की भगत हूँ, भगवान कहते हो मेरा भगत नहीं हूँ, कहते मेरी भगत कौन है? अगर कोई बोले मैं भक्तों का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं वो मेरी सही भक्त है। कहते गुरो रुष्ट है, कहते हरि रिष्ट गुरो स्त्राता गुरो रुष्ट का कश्चन। अगर हमारे ऊपर में कभी ठाकुर जी नाराज हो जाए, हमारे ऊपर में कभी ठाकुर जी नाराज हो जाए ना, हमें गुरु जी रक्षा कर सकते हैं। अगर कभी अगर गुरु जी अगर नाराज हो गए तो भैया ठाकुर भी हमें रक्षा नहीं कर सकते। इतने शक्ति संतों की। इसलिए श्री अगस्त ऋषि ने देखा लगता है तू तो भजन कर रहे हो ठीक बात है, लेकिन लगता है किसी संतों से तुमने भजन करना तुमने नहीं सीखे, इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दी। जैसे हाथी चलता है ना एकदम मदमस्त होकर के मतवाला बोलकर जैसे हाथी चलता है, तुम्हारी व्यवहार ऐसे ही है, बोले तुझे हाथी बन जा। जब उन्होंने बोले हाथी बन जा, अभी उन्होंने संतों को चरण में गिर पड़ी, बोले मेरी अपराध हो गया, बताओ हमको मुक्ति कैसे मिलेगा? बोले जा हाथी तो बन करके जाओगे, लेकिन ठाकुर जी तेरे को दर्शन दे करके ठाकुर जी तेरे को उद्धार करेंगे। कहती ये मगरमच्छ कौन था जो कि हाथी के प्यार को पकड़ा? कहती ये मगरमच्छ कहती ये स्वर्ग का एक गंधर्व था जिसका नाम था कुहु गंधर्व। ये था स्वर्ग का जोकर, जोकर होता है ना जो फंसाते हैं। एक समय एक देवल मुनि पानी में खड़े होकर के तर्पण कर रहे थे, ठाकुर जी को तर्पण कर रहे थे। इतने में हुहु गंधर्व स्वर्ग के देवताओं को बुलाया, बोले आ जाओ तुम लोग आज मैं खूब हंसाऊंगा। इतने में आकाश में देवता लोग खड़े हुए और ये हुहु गंधर्व ने एक मगरमच्छ बन करके जैसे पानी में धीरे 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 अंदर में गए, और जो देवल ऋषि जो तर्पण कर रहे थे उनके चरणों को पकड़ कर उन्होंने खींच लिया। जब चरण पकड़ कर उन्होंने खींच लिया इतने में तो ऋषि तो चौंक उठे, लगता है कोई मगरमच्छ तो नहीं पकड़ लिया। इतने में जो स्वर्ग में जो देवता लोग थे ना हाँ हाँ करते करते हाँ लगा कर जोर जोर से, और ये जो
हूं गंधर्व थोड़ी दूर गया और खड़े होकर हंसने लग गया। हम बड़े मजा ले रहे थे। इतने में ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले जगत में और कोई मिले नहीं, संत ही मिले जिनको साथ में तुम छेड़खानी कर रहे हो, जाओ मैं अभिशाप देता हूँ तेरी व्यवहार मगरमच्छ जैसे, तो अगली जीवन में मगरमच्छ बन करके जन्म लूंगा। इतने में इसका सारी नशा उतर गया, मगरमच्छ बन गया। बोले मेरी मुक्ति कैसे हो, बोले तेरे को भी ठाकुर जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी उद्धार करेंगे। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, कभी संतों से हंसी दिलक नहीं करनी चाहिए। अगर संतों से हंसी दिलक करोगे ना, पता नहीं क्या से क्या हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भगवान को केवल गजराज ने फूल से ही ठाकुर जी ने संतुष्ट कर दिया था। सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और इन दर्शन के सुहाग उठा कर बोलो। इसलिए बोले कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही हमारी कल्याण होगा। इसलिए हमें इधर उधर कुछ नहीं करके, यदि जो नाम की महिमा, ये सत्य युग में भी ये नाम की महिमा था। बोले त्रेता युग में भी ठाकुर जी का नाम की महिमा, बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते थे। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुपति राघव रघुपति हनुमान जी दिन रात भगवान का नाम को ही जप करते थे। जिस समय भगवान राम फूल बंध रहा था, माता सीता को उद्धार करने के लिए जाए, सब बड़े बड़े बंदर लोग पत्थर ला रहे थे और हनुमान जी पत्थर को ऊपर में श्री राम का नाम लिख करके पानी में छोड़ रहे थे। अब ये पत्थर तैर रहा था, बोले पत्थर तो तैर रहा था लेकिन उसको जुड़े कैसे। बोले एक पत्थर में राम और दूसरे पत्थर में माँ, माँ जब लिखते तो पत्थर जुड़ जाता था। बोले वाह, भगवान को देख देख कर आश्चर्य हो रहे थे। बोले भैया मेरे नाम में इतनी शक्ति, मेरे नाम को लिख करके छोड़ने पर पत्थर भी तैरना है। भैया मैं भी एक दो पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ, ये पत्थर डूबता है ना पत्थर तैरता है। उन्होंने देखा अगर किसी कारण से पत्थर डूब गया तो फिर बंदर बंदर को सामने तो मेरे तो बड़ी बदनामी होगी। बोले देखो हम ठाकुर जी का नाम को लिख करके छोड़ रहे हैं, पत्थर तैर रहा है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं पत्थर फेंके तो क्या हो गया, पत्थर डूब गया, बड़े तो खिली उड़ाएगी। इसलिए भगवान राम ने वहां से एक अलग जगह पर गए, जा करके एक पत्थर को उठाया झाड़ी को अंदर में और पत्थर को फेंका तो पत्थर डूब गया। भगवान को लिए क्या, मैं स्वयं राम पत्थर फेंक रहा हूँ का गया और एक पत्थर उतार फेंक वो भी डूब गया। इतने में हनुमान जी ने देखा प्रभु राम जी गए कहाँ, क्योंकि हनुमान जी भगवान के बगैर एक मुहूर्त रह नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। Oh, my God.
हनुमान जी ने देखा मेरे मेरे प्रभु दिख रहे प्रभु जी गए कहाँ। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते देखा ठाकुर जी एक झाड़ी को अंदर में छुप करके जैसे बच्चे लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं ना, देखा ठाकुर जी एक एक पत्थर को फेंक रहे हैं। हनुमान जी हठात वहां पर पहुंच गए, बोले प्रभु जी ये पत्थर उठा करके पानी में क्यों फेंक रहे हैं। भगवान चौंक उठे, बोले तू कहां से आ गया। बोले प्रभु आपको छोड़ करके मैं रह नहीं सकता है, इसलिए प्रभु ये बताओ आप ये पत्थर को उठा कर पानी में कैसे क्यों बच्चे जैसे फेंक रहे हो। बोले हनुमान जी मेरे मन में एक शंका आ गया। बोले आपका मन में शंका। बोले हाँ। बोले बताओ। बोले तुम लोग मेरे नाम को पत्थर को कर लिख करके फेंक रहे हो, पत्थर रहा है। मैं स्वयं राम जब पत्थर को फेंक रहा हूँ डूब रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बोले ठाकुर जी ये तो सीधी सी बात है, ये पत्थर क्यों तैर रहा है। आपकी नाम को सहारा लेकर के हैं। बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, इसलिए जो तेरे नाम को लेता है भव सागर से वो पार हो जाते हैं, चूंकि आपकी नाम की सहारा लेकर के पत्थर तैर रहा है। लेकिन अगर आप कोई चीज को उठाओ और वो चीज को आप फेंको, फेंकना मतलब क्या है, आप उसको त्याग दे दिया, आप उसको छोड़ दिया है। प्रभु ये बताओ आप दुनिया का मालिक है आप, अगर आप किसको पकड़ करके अगर छोड़ दोगे वो कभी तैर सकता है ना, वो तो डूब ही जाएगा। रो यही बात है, मेरा समझ में नहीं आ रहा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम न सतई नाम गुण गाई, इसलिए राम ना सकई नाम गुण गाई। कहते भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, कहते भगवान राम भी जानते नहीं मेरे नाम में कितने शक्ति, मेरे नाम में इतने शक्ति ठाकुर जी की नाम में। इसलिए क्या करो हर समय भगवान की नाम को ही जपा करो। हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा। देखो इधर जो भगवान का नाम लेगा ना उसको तो पाप हो ही जाएगा, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो बोलेगा नहीं। इसलिए जब मैं हरिनाम करता हूँ सब हरिनाम करना, जोर जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार बोले जोर से, आप इसलिए यहाँ पर शिष्य गोस्वामी कहते हैं हरे नामानुकीर्तनम। कलयुग में सबसे सरल उपाय ठाकुर जी की नाम को कलयुग में जपा करो। तब से सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले बदंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञानम ब्रह्मति परमात्मति भगवान की सबगति। बोले वो एक ही ब्रह्म है, लेकिन वो एक ब्रह्म की तीन प्रतीति और उनका तीन भक्त है। वो एक ही ब्रह्म को जो ज्ञानी है उनको निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में देखता है, क्योंकि जो योगी है वो हृदय में एक परमात्मा रूप में हृदय में ध्यान करता है, लेकिन जो भक्त है वो एक ही भगवान को कैसे दर्शन करता है, भगवान किसे श्याम सुंदर रूप में ठाकुर जी रूप में दर्शन करता है। तब यहाँ पर बताइए क्या सबके सब बराबर ना, ये सबके सब अलग है। बल ये सबके सब अलग है, एक तो भगवान ही कहते ना जिसकी जिसकी रही भावना जैसी और हरी मुरत जठिनी तैसी, इसे जिसकी हृदय में जैसे भावना है वो भगवान को भी उसी रूप में ये दर्शन करते हैं। हैं एक छोटी सी कथा सुना, ध्यान देकर सुना, जितने माताएं बैठ रहे हैं अच्छे तरह से सुना, इसमें बहुत एक अच्छी बात है। हरे कृष्णा
आप लोग एक साथ नहीं बैठे ना, अलग अलग का बैठ जाओ, प्रवास अलग अलग बैठ जाओ, जब कथा सुनने मिले ना, अगर यहाँ दुनिया की बात अगर अपना व्यक्ति होगा तो बात करो, पराया व्यक्ति को बात नहीं करें, इसलिए ध्यान देकर सुना, ठीक है, मन लगा कर सुना, कथा में आए कुछ ले करके जाना, खाली आप सुनिएगा नहीं यहाँ से, ध्यान देकर सुना। कहते हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, कभी कभी भ्रमित तो हो जाते हैं, कहते भगवान ने निराकार ना किया है, कोई कहते हो तो भगवान निराकार है, तुम ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते, लेकिन कोई कोई कहते हैं नहीं तो वो परमात्मा है, उसके हृदय में एक अंकुर का परिमाण रूप में हृदय में ध्यान कर, लेकिन कोई कहते नहीं ये तो ठाकुर जी है, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं, भगवान राम जैसे कृष्ण है, हैं, कहते वो एक ही भगवान को, कहते अलग अलग भक्त लोगों ने सिर्फ अलग अलग रूप में उनको बता दें, अभी उसमें क्या फर्क है, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है, हम लोग जो बैठे हो पाला नहीं करते, ऐसी कथा सुनियो जैसे कथा के बाद में तुम जगह अड़ोस पड़ोस में प्रचार कर सकते हो, ठीक है ना, ये कथा को प्रचार करना तुम्हारी तक नहीं रखनी चाहिए, कथा को दूसरों को भी समाज समझानी चाहिए, अपना भी कल्याण होगा, अगर दूसरों को सुनाओ तो उसका भी कल्याण होगा, इसलिए हमारे संत कहते हैं एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दिया किसी तरह से समझा बुझा कर, क्योंकि करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोलने से, करोड़ों करोड़ स्कूल अन्न छत्र खोलने से भी ज्यादा पुण्य है जब एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में तुम लगा दोगे, इतने महीने इसमें ध्यान दे सको, लिखी पढ़ते है ये तो बोले लिखा बड़ा को थोड़ी रोटी बनाना है, इससे कहीं जीवन मत बिता, उसको थोड़ी सी आगे भी कुछ लगा, ठीक है, ध्यान देकर सुनो सब। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये कथा को अपना एक संतों को श्री सनातन गोस्वामी को ये कथा कहते हैं, ये कथा भी याद करना, ठीक है, अच्छे तरह से याद करना। इसलिए एक समय कोई एक सर्वज्ञ था, सर्वज्ञ मतलब होता है जो आपको देख करके आपके घर की सारी बात बता, घर में कितने माल तुम्हारी है, वो माल कहाँ पर रखा हुआ, और तुम्हारी बेटा कैसे, तुम्हारी बहू कैसे, तुम्हारी घर की दिशा किधर है, अभी तुम्हारी घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तुमको देख करके जो सारी बात को बता दे, सो कहते हैं ये सर्वज्ञ था। एक समय एक व्यक्ति रोड में भीख मांग रहा था, बड़े दुखी था, वो सर्वज्ञ ने उसको बुलाया, भाई भैया इधर आ, तू रोड रोड में क्यों भीख मांग रहे, बोले घर में खाने के लिए तो सोए नहीं, बोले भीख मांगता हूँ, बोले देख बेटा तेरे जो पिताजी ना मेरे मित्र थे, मेरे को एक रहस्य बात बता कर गए, बोले क्या बोल कर गए, बोले तुम्हारी घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं, ये जो माल है ना एक सोने की कलसी में हीरे जवाहरात तेरे पिताजी ये पूर्व दिशा में गाड़ करके गए, मेरे को बोल कर गए तुम्हारे पिताजी, लेकिन ध्यान रखियो बेटा ये जो उत्तर दिशा का मिट्टी को खोदना नहीं, उधर अगर खोदोगे ना एक अजगर सांप रहता है, वो अगर निकलेगा तो सीधा तुम पर निकल जाएगा, फिर तो तुम खत्म हो जाओगे, पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर एक जक्ष रहता है, भूत रहता है, वो अगर निकलेगा जान से तेरे को खत्म कर देगा, हैं, तुम दक्षिण दिशा का है कहते पश्चिम दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर खोदोगे ना उधर तत्या रहते हैं, अगर ये तत्या निकलेगा तो फिर तेरे को काट करके खा जाएंगे, लेकिन ध्यान रखियो ये पूर्व दिशा का मिट्टी को खोदना, बोले ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना वो माल निकलेगा, सोने की कलसी निकलेगा, और एक एक बेचोगे ना समझो हीरे जवाहरात माला माल हो जाओगे। उसने देखा मेरे घर में इतने धन संपत्ति रखा हुआ, अभी दर्दर घट रहा, इतने में आया सचमुच से जब उसने थोड़ी सी खोदा वो सोने की झारी निकली, झारी निकली, ए क्या तिब्बत तिब्बत रत्न है, ए एक एक रत्न को बेका था अरब अरब रुपया हुआ, पूरा के माला ही माल हो गया उसने। देखो ये कथा भगवान अपना भक्तों को कह रहे हैं, हैं, कहते भैया वो जो गरीब जो दर्दर भटक रहा था कौन, बोले आप और हमें संसार में तरह तरह का दुख भरते से हम परेशानी हैं, लेकिन उसने जो भगवान बताया बोले देख बेटा वो संपत्ति तेरे घर में ही रखा हुआ, बाहर नहीं रखा हुआ, तो जो इधर उधर ढूंढ रहे हो बाहर नहीं,
वो संपत्ति तुम्हारे हृदय में है संपत्ति है। इसलिए क्या करो बोले देखो उत्तर दिशा का मिट्ट नहीं खोजना, बोले उत्तर दिशा क्या बोले ज्ञान मार्ग है। जो लोग चाहते हैं अपना सत्ता को ये ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना चाहते हैं, खबरदार वो ज्ञान मार्ग में नहीं जाना। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। इसलिए वो ज्ञान मार्ग में जाओगे ना क्या होगा, अगर वो ब्रह्म ज्योति में अगर अजगर सर्प जैसे सांप निगल लेता है, ये मुक्ति भी जीव की जो सत्ता है उसको निगल लेता है, निगल करके जीव का सर्वनाश हो गया, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, टूट गया, तो गया अपना सत्ता ही खत्म हो गया। बोले देखो तुम पश्चिम दिशा की मिट्टी नहीं खोजना, बोले ये है योग मार्ग है। जो योग मार्ग में भी तुम जाना है उधर भी एक भूत जगसे रहता है, कहती है योग जो मार्ग है जो लोग ऐसे ही वो मुक्ति पाना चाहते हैं, वो भी मुक्ति पाकर के संसार से मुक्त होना चाहते हैं, बोले खबरदार उसी मार्ग में भी नहीं जाना। बोले तुम दक्षिण दिशा में भी नहीं जाना, बोले उधर क्या, बोले तत्या, बोले ये दक्षिण दिशा किया, बोले कर्म मार्ग, बोले भैया कर्म मार्ग में भी नहीं जाना तुम, जैसे तत्या काटते रहते ना, अगर कर्म मार्ग में फंसोगे फिर तो संसार का दुख कष्ट भोग करोगे, तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी रहोगे। इसलिए खबरदार कर्म मार्ग में भी फंसना नहीं, पर जाना तो किधर जाना, बोले पूर्व दिशा में। बोले ये पूर्व दिशा क्या, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम है। बोले ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, चलो थोड़ी सी खोदोगे ना वो सोने की झाड़ी निकलेगा, है झाड़ी निकलेगा, मतलब भक्ति मार्ग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, भक्ति मार्ग अत्यंत सुलभ मार्ग है। इसलिए प्रभु की प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, इसलिए प्रभु की अगर भक्ति करोगे ना बस फिर तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो हर जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए हम कहते हैं भैया प्रभु की भक्ति के मार्ग में जैसे हनुमत लाल जी भगवान की सेवा करते हैं, मीराबाई जैसे भगवान की सेवा की, जैसे ब्रज की गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति की, कहते सबरी जैसे प्रभु राम की भक्ति की, इसे जो भक्ति मार्ग है ये कठिन मार्ग नहीं, ये आनंद का मार्ग है। जैसे कथा सुनता हूँ इसमें भी आनंद, कीर्तन करता हूँ उसमें भी आनंद, प्रसाद बनाकर प्रसाद पाते उसमें भी आनंद है। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई कठिन मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है। इसलिए भगवान को ज्ञान से, कर्म से, योग से नहीं पाया जाता है, भगवान को केवल भक्ति को द्वारा ही तो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। इसलिए कहते वो जो भगवान है, कहते भगवान ये युग युग में अवतीर्ण होते हैं। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानः धर्मस्य तदात्मानः सृजाम्यहम्। कहते वही भगवान हर युग युग में जब जब भक्तों को ऊपर में कोई विपत्ति पड़ती है, ठाकुर जी अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को भगवान विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में कहते भगवान की 26 अवतार की भागवत में कथा आई है। इसलिए आप लोग एक छोटी भजन सुन लो, गा सकते हो We'll be right back.
26 अवतार का नाम दिया है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है ठाकुर जी, ये चतुष्सन रूप में ब्रह्मा के मानस और पुत्र रूप में आए, जो सनक सनातन सनातन और ये सनातन है। क्योंकि जब ये सृष्टि हुई तब ये ब्रह्मा जी इनको बोले बोले देखो बच्चों, भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी बड़ा दुखमय है, हम ये घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते। बोले भगवान का आदेश है ये संसार का क्रम बढ़नी चाहिए, और सृष्टि का तुम पहले हो, तुम पहले ही मना कर दिया, फिर सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगी। बोले पिताजी हम तो प्रभु की भक्ति में मस्त करना चाहते,
बोले अगर आदेश नहीं पालन करो तो अभिशाप दे दूंगा। तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, अगर संसार नहीं करोगे ना, जैसे तुमने जन्म हुए हो जिंदगी भर ऐसे ही बनेगा, संसार नहीं करोगे तो छोटे बन कर गया। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप है, क्या ये तो वरदान है, क्योंकि उसको उसको बैठा करना, क्योंकि संसार का बोझ किसको ऊपर में, जो बड़े व्यक्ति है, जो छोटे होते हैं ना उनको ऊपर में थोड़ी बोझ, वो तो मस्ती से खेल कर घूमते हैं। बोले पिताजी ये वरदान नहीं, ये अभिशाप नहीं, ये तो हमारे लिए वरदान। ये चतुष्ण आप देखे होंगे एकदम छोटे बच्चे जैसे रहते, 5 साल के जैसे, कभी बैठते नहीं कभी ये घटते नहीं। और इनका जीवन क्या है, बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवन, जैसे हमारे जीवन रोटी है, कहते उनकी जीवन किया बोले भगवान की कथा। इसलिए भागवत पहले हम सुन कर के आए, ये चतुष्ण ही ये कथा सुनाए ज्ञान बैरा को भक्त गई को, तभी वो जवानी बने। अगर कोई कथा सुनने वाले हो उनको सुनाना शुरू कर देते हैं, अगर कोई सुनने वाले नहीं हो क्या, 3 भाई तो बैठी जाएंगे और एक भैया व्यास गति पर बैठ करके भगवान की कथा बोलना शुरू करेंगे। इसलिए इनकी उम्र कभी घटती नहीं कभी घटती नहीं। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले आयु हरति वही गुणसा उद्यान अस्तंत जनसौ तस्रिते जम खनम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। कभी जो सूरज है कभी ये काल है, जैसे पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो गए। हम कहते हैं ना हमारा लाला बड़ा हो रहा है, सब लोग कहते हैं ना हम बड़े हो रहे हैं, शास्त्र के नाम कोई बड़े नहीं हो रहे, हम सबके सब छोटे होते जा रहे हैं। बोले हमारे 30 साल हो गया, 25 साल, 50 साल, लेकिन हो नहीं गया, 50 साल हमारी कम हो गई, हमारी जो परमायु थी उससे 50 साल 30 साल 20 साल घट गया है, हम कोई भी बड़े नहीं हो रहे, हम सबके सब छोटे हो रहे हैं। कभी ये काल का सभी का परमायु को नष्ट करता है, लेकिन सुत गोस्वामी कहते हैं लेकिन एक व्यक्ति का परमायु के काल खत्म नहीं कर रहा है। बोले किसका खत्म नहीं कर पा रहा है, बोले तस्रिते जम खेणम नीतम, जो व्यक्ति भगवान की कथा में भगवान की भजन में भगवान की कीर्तन में जितने समय हम लगाते हैं कद उतना समय हमारी नष्ट भी होता है। इसलिए जो चतुर्सन हर समय ये बालक बने रहते हैं, क्योंकि हर समय प्रभु का भजन में भगवान की भक्ति में ही मस्त रहते हैं। ये भगवान का पहला अवतार है। बोले दूसरा अवतार कहते भगवान श्री बराह रूप में अवतरण हुई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शाम का समय में हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। कितना काम नहीं करने चाहिए, क्या क्या बोलो, क्या नहीं करनी चाहिए, सुन लो ध्यान से। बोले ठीक शाम का समय में भोजन कभी मत किया कर, जो शाम का समय में भोजन करेगा उसका जो पेट का रोग है ना, शरीर का रोग कभी उसकी सही नहीं रहेगी, हर समय जिंदगी भर वो बीमारी बीमारी रहेगी। इसलिए शाम का समय कभी भोजन नहीं करो। दूसरा काम, कभी सोनी नहीं चाहिए, शाम का समय जो सोएगा ना घर में उसकी कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, उसको जिंदगी भर दरिद्रता भोगना पड़ेगा, इसलिए कभी शाम को सोनी नहीं चाहिए। तीसरा काम है बोले ठीक शाम का समय में पढ़ाई लिखाई करने के लिए मना करते हैं। पढ़ाई लिखाई मतलब अगर भगवान की कोई भजन कीर्तन आरती करते हो वो ठीक है, लेकिन जो साधारण बच्चे जो पढ़ते हैं ना वो शाम का समय में नहीं पढ़नी चाहिए, अगर उसी समय पढ़ोगे तो भूल जाओगे सबके सब। कोई कोई बच्चा होता है ना कहते हैं घर में तो बढ़िया पढ़ाई करता, लेकिन जब पेपर देने जाता भूल जाती है, इसलिए उसी समय में पढ़ने पर साथ भूल जाओगे। और जो चौथा चीज है कहते पति पत्नी कभी सहवास नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी मिलनी नहीं चाहिए, सहवास नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसी समय कोई सहवास करेगा तो वो जो बच्चा होगा ना बड़े दुष्ट बन करके आएगा और अक्षर से बन करके आएगा। इसलिए भागवत में कथा आती है कहते ये कश्यप जी की पत्नी थी जिसका नाम थी दीप्ति, वो बड़ी सुंदर थी, ठीक शाम का समय में उसने शीशा को सामने खड़े होकर के बड़ी सुंदर उसने अपना श्रृंगार किया। जब श्रृंगार की
सीता को सामने खड़ी होकर श्रृंगार कर रही थी, अपना शरीर को सुंदर करके सजा रही थी। सजाते सजाते वो इतने काम में आतुर हो गई, उसने अपना पति कश्यप जी से मिलने के लिए गई। कश्यप जी ने कहा, देख दीति, ये जो समय है ना, शाम का समय में शंकर जी अपना भूत प्रेतों को साथ में शंकर जी घूमते हैं, इसलिए इसी समय अगर तुम मिलोगे ये सही चीज नहीं है। फिर पेट में जो बच्चा होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, अपना काम को संभाल नहीं पाए, उसने जोर जबरदस्ती पति को साथ मिली। मिलने के बाद कश्यप जी ने कहा, अभी भी तुमने अच्छी काम नहीं किया, तुम्हारे पेट में दो राक्षस जन्म लो, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म। लेकिन वो तो काम में आतुर हो गई थी, लेकिन उसको बाद में माफी मांगते, बोले मेरे अपराध हो गया है, क्यों मैं काम में बड़ी आतुर हो गई थी, अपने आप को मैंने संभाल नहीं पाई, आप मेरे पाप को अपराध को माफ कर दो। लेकिन चूंकि उसने माफी मांगे, बोले बेटा तो राक्षस बने ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, लेकिन तुम्हारे जो पोते होंगे ना, चूंकि तुमने माफी मांगी, अगर हमसे कोई गलती हो गया ना, माफी मांग लेनी चाहिए, फिर अपराध क्षमा हो जाता है। लेकिन फिर जो पोता होगा ना, ये भगवान की परम संत होकर जन्म लेगा, इसलिए हिरण्यकश्यप का जो बेटा हुआ है श्री प्रह्लाद महाराज, और इतने बड़े संत बने। जब उसको पिताजी ने पूछा, बताओ तेरे भगवान कहाँ है, प्रह्लाद ने कहा, बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ, तो बताओ। बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को दिख रहे ठाकुर जी खिलखिले में हंस रहे हैं। बोले पहले तेरे भगवान को दिखाता हूँ, तेरे को बाद में दिखाऊंगा। उन्होंने गदा प्रहार किया खंभे में, खंभे फट गई और साक्षात भगवान श्री नरसिंह भगवान। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए जब श्री मन महाराज ने जिस समय सृष्टि को प्रारंभ करना चाहते थे, बोले ये सृष्टि करेंगे, कहाँ सृष्टि करेंगे, पृथ्वी तो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तब ब्रह्मा जी ने छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और वो दित्य 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 विशाल रूप धारण किया, भगवान से बराबर लिए, और भगवान ने पानी में छलांग लगाई, और उन्होंने अपना दंत को ऊपर में पृथ्वी को लेकर उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उधार किया, और उन्हें धुरी पर स्थापन की, तो फिर ये सृष्टि का काम शुरुआत हुआ। इसलिए भगवान की जो तीसरा अवतार है, कहते भगवान श्री बराह रूप में ठाकुर जी आए, कहते भगवान की जो चौथा जो तीसरा जो अवतार हुआ है, कहते श्री नारद जी को रूप में ठाकुर जी आए। आप लोग सब नारद जी का नाम जानते हो, लेकिन जगत में ना नारद जी का नाम बड़ा बदनाम है, हम लोग कहते ना, तो क्या नारद जी का काम करे, मतलब क्या झगड़ा लगा दिया, नारद जी का बड़ा बदनाम जगत में। लेकिन ऐसे बात नहीं, आप देखिएगा नारद जी के बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं, कोई लीला से पहले रामायण देखो ये नारद की वजह से किया, आप देखो भागवत देखो ये नारद की वजह से हुआ है, कोई भी काम देखो नारद के बगैर कुछ भी नहीं। और इनका जो एक के चेले हुए ना, और इतने बड़े बड़े चेले हुए, दो तो हुए वृद्धा और दो बालक, बोले दो बूढ़े कौन चले हुए, बोले एक श्री वाल्मीकि हुए, नाम सुने भी नहीं वाल्मीकि को, ये पहले दशरथनगर था, ये चोरी डाकू करता था, कभी नारद से मिले, बोले बाबा निकालो क्या माल पानी तेरे पास में, बोले भैया हम तो संत है, हमारे पास में तीन चीज, लोटे छोटे और लंगोटे, बताओ, बोले जो कुछ हो निकालो। तब नारद जी समझाए, बोले बेटा ये बताओ, तुम जो ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाते हो, उसको भागीदार कौन बनेगा। बोले बोले मेरे पिता माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। बोले देख ध्यान देकर सुनो, ये सबके सब तेरे सुख में सब मदद कर रहे हैं, जब दुख आएगा ना, कोई भी तेरे साथ में मदद नहीं, जा पूछ कर क्या, जिनको तू अपना बोलकर कट पूछ कर क्या आया, पिता माता से पूछा, बोले ये पाप कर्म करके जब मैं पैसा कमाता हूँ, आप उसकी भागीदार बनोगे नहीं। बोले क्यों, तेरे को हमने जन्म दिया, बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, हमने कैसे पैसा कमा, ये हमें पता है, तू कैसे कमा तो मेरे को बताएंगे। पत्नी से पूछा, तू लोगी की नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तुम्हारा, हमें कुछ बताएंगे। बच्चों से पूछे, बोले क्यों,
आप पिता हो, आपका कर्तव्य हमको लिखा पढ़ा सिखा कर बड़ा करना। जब हम बड़े बनेंगे पैसा कैसे कमाएंगे हम सोचेंगे, आप कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं। नारद कितने में दशरथ ना कर जो वाल्मीकि थे, बोले भैया मेरे मन पर मन पर बहुत बड़ा भ्रम था, शायद ये सबके सब मेरे पाप का अंशीदार बनेंगे, लेकिन ये सबके सब सुख समय में सारे साथ है। कि कोई भी कहता है दुख में कोई भी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, ये तो मेरा बहुत बड़ा भ्रम था, हम तो अपना समझ रहे थे, तो कोई अपना नहीं। उसका बड़ा ज्ञान हुआ, वापस आया, बोले बाबा आप तो सही बता रहे थे, मेरा बहुत बड़ा भ्रम था, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर्म किए, बताओ मेरे पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री नारद जी बोले काम करो बेटा, बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, लेकिन उसके मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्योंकि जो पापी है ना, आप देखना दिन भर बैठ करके सास बहू की बेटी की बात कर लेंगे, दुनिया की इधर उधर बात कर लेंगे, बोलो भैया थोड़ा ठाकुर का नाम लो, बोले समय कहाँ, हमारे पास में समय कहाँ है, तीन तीन बैठ घंटा बैठ कर टीवी देख लेंगे, लेकिन प्रभु का भजने के लिए बोलो समय कहाँ है, इसलिए मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, वो प्रभु का नाम ही नहीं ले सका। तब उन्होंने बोले देखो तू बोलता था मारो मारो तू बोलता था ना, बोले हाँ, बोले तू मरा मरा तो बोल सकते हो, इसलिए आप लोग बोलो तो मरा मरा, सब लोग बोलो जोर से, बोलो अरे बोलो जोर से, अभी तक भी किसकी किस मुंह में नाम नहीं निकल रहा है, बोलो मरा मरा। देखो आप यहाँ राम हो जाता है, इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जगह जाना और बाल है ब्रह्म समाना, बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मन माही। उसने केवल ये मरा मरा करते 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 ना उन्होंने राम नाम निकल गया, और केवल उल्टा नाम ले लेकर के ये दशरथ ना करने वाल्मीकि बन गया। आप लोगों ने लव कुश देखे हो, कौन कौन टीवी में लव कुश देखे हो, हाँ तो कहते हो लव कुश कौन कौन देखे हो, जो रामायण लीला है ना लव कुश देखे आप लोग, देखना वहां पर जब लव कुश भगवान की राम के दरबार पर आए, ये लव कुश भगवान राम से कह रहे हैं, बोले प्रभु आपकी सारे चरित्र हमारे गुरुदेव वाल्मीकि ने अब आने से पहले उन्होंने सब लीला उन्होंने देख चुकी, देख करके उन्होंने बड़े सुंदर आपका लीला को वर्णना किया है, लेकिन अभी तक तो हमें पता है गुरु जी अभी तक का बात बताए, लेकिन हमने सुना गुरु जी आप क्या लीला करेंगे, हमारे गुरु जी पहले ही जान चुके थे और पहले ही ये रामायण को लिख कर रख दी। देखो प्रभु का नाम में कितने महिमा है, अगर दशरथ ना कर जो डाकू था अगर मरा मरा करते करते राम राम हो जाए, अगर वो वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम अगर सीधा नाम ले तो फिर क्या नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, आप लोगों ने कभी पेड़ लगाया हो, कोई बीज कभी बोए हो जिंदगी में, कौन कौन बीज बोए कभी, हाथ उठा दो, जमीन में किसी ने कभी ना कभी बीज बोए, देखो गोस्वामी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। आप देखना गेहूं की जब बीज लगाते हैं ना खेती में, गेहूं को लेकर ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं ना गेहूं जमीन में, लेकिन वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जब पेड़ उगता है कैसे उगता है, पेड़ कैसे होता है सीधा होता है, भले ये बीज कैसे भी क्यों नहीं गिरे जमीन में, लेकिन जो पेड़ होगा ना वो सीधा ही पेड़ होगा। कहते उसी तरह हमारी नाम मुंह से किसी तरह से भी प्रभु का नाम निकल जाए ना, कहते कभी ये उल्टा फल कभी है नहीं देगा, जो फल है ना वो सीधा फल देगा, इतने शक्ति प्रभु का नाम में। इसलिए नारद जी भी जिसको ऊपर में कृपा हो गया ना बड़े बड़े संत बन गए। देखो वाल्मीकि ने दिव्य ग्रंथ हमारे रामायण लिखे, इनके और एक चले हुए जिनका नाम श्री व्यास थे, इन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखे, दो चले हुए हमारे सनातन धर्म का दो ग्रंथ लिखे, एक भागवत और एक रामायण। फिर उनकी दो बालक हुए, एक Yeah, 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 yeah
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आती है, इतना कठिन। लेकिन नारद जी की कृपा हो गया ना, ये 5 साल उम्र में भगवत प्राप्ति हो गया। और कितना दिन भजन किया, बोले 6 महीना के दौरान। 6 महीना में उनको भगवत दर्शन हो गया। और प्रहलाद महाराज की कथा का अभी सुने, वो भी 5 साल की थे। और 5 साल में खंबे से उन्होंने गुरुकुल में सबको पढ़ने जाना पड़ता था, तब उन्होंने नारद जी को पास से उन्होंने लेखा पढ़ा सीखो। नारद का संत है तो उन्होंने सब विद्या पढ़ाया। विद्या जब पढ़ाना समाप्त हो गई, अभी संसार में जा रहे थे, नारद जी ने पूछा, देखो बच्चों अभी संसार में जा रहे हो, समझ बुझ करके जाया करो। ऐसा बीन है जो बीन में एक बार अगर कोई फंस जाए ना, वो बीन से निकलने का रास्ता नहीं मिलती, कभी निकल नहीं सकता वो बीन से। बताओ तो ऐसा कौन सा बीन है जो बीन में घुस जाए तो निकल नहीं पाए। बोलो, ये कहते घर गृहस्थी। हाँ, ये घर गृहस्थी। आप लोग देखना, सामने कोई एक समस्या, आप सोचते होंगे किसी तरह से ये समस्या हमारे हल हो जाए, चैन मिलेगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, और एक समस्या तो हल हुई नहीं, इसके बाद दूसरी समस्या खड़ी, तीसरी समस्या खड़ी। आप जितने निकलने के लिए जैसे दल दल में हाथी फंस जाते ना कीचड़ में, हम उसी तरह संसार करते करते ऐसे दल दल में फंस जाते हैं, मरने का पहला तक भी संसार से कोई निकल नहीं सकते हैं। ऐसे ये संसार है, जितने निकलने के लिए चाहोगे उतना ही फंसते जाओगे, उतने फंसते जाते दिए गए। उनका दूसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं, वो चक्र अपने आप घूमती है। बता सकते जो चक्र को कोई नहीं घुमा रहे, वो चक्र अपने आप घूम रहे हैं, बताओ तो कौन सा चक्र है। कहती है काल चक्र है। हम जन्म हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी चाकरी किया, शादी शुदा किया, धीरे धीरे आंख में कमजोरी आ गई, धीरे धीरे बाल पकना शुरू हो गया, दांत झड़ना शुरू हो गया, 2 पैर से 3 पैर हो गया, पता नहीं कब धीरे धीरे समय चली गई, बस एक दिन राम नाम हमारी सत्य हो गई। कभी चक्र को कोई नहीं घुमाती, ये चक्र अपने आप, ये चक्र सबके सब अपने आप ये काल चक्र घूम रहे हैं। इनका तीसरा प्रश्न है, बोले बच्चों ये बताओ, ये परम पिता की आदेश दिया है, भगवान हमें क्या आदेश दिया है, भगवान हमें क्या आदेश दिया है। बोले सतत स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्य न जा चुकता। भगवान का निर्देश है हर समय भगवान की स्मरण करते रहो, हर समय ठाकुर जी को याद करते रहो। और दूसरा उनका आदेश है कभी ठाकुर को भूलो मत, हर समय याद करते रहो और उनको कभी भूलनी नहीं चाहिए। उनका चौथा प्रश्न था, पहले बताओ तो ये बताओ बच्चों, ये जो संसार है, हैं, ये जो संसार, जो काल, जो संसार के चक्र है, सभी का परमायु तो नष्ट होती जा रही है, लेकिन किसका परमायु नष्ट, किसका परमायु नहीं होता है। बोले नष्ट उनकी परमायु नहीं होता है जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के नाम जप करते हैं, केवल उन्हीं का ही समय नष्ट नहीं होता है, नहीं तो सबके सब समय सबकी नष्ट हो जाती है। बोले बच्चों ये बताओ तो, जगत में ऐसे एक चीज है जो चीज को कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहने पर भी ऐसे एक लड़की है, वो लड़की को कोई भी शादी करना नहीं चाहती, लेकिन नहीं चाहने पर है ना
वो ऐसे एक लड़की है वो जोर जबरदस्ती सबको शादी कर लेती है, लेकिन जिसको कोई भी दुनिया में शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन वो जोर जबरदस्ती सबको शादी कर लेती है। आप बता सकते हो कौन है? कौन है? कभी मृत्यु है। बताओ जगत में कौन मरना चाहता है? अभी कोरोना है ना, सबको सब बंद कर दिया गया, घर से डर के मारे कोई निकले नहीं, कोई डर के मारे कोई भी मरना जगत में नहीं चाहते हैं। लेकिन नहीं चाहने पर भी वो जो काल रूपी जो कन्या है ना, ये सबको जोर जबरदस्ती सबको ये शादी कर लेती है। इसलिए नारद जी ऐसे ज्ञान की बात उपदेश दिया है ना, सबके सबको उन्होंने भगवान की भक्त बना दिया सबके सब। इसलिए जिनकी नारद जी का संग हो गया उनका उन्होंने कल्याण कर दिया सबकी। कहते भगवान की चौथा अवतार है, कहते भगवान का जो पंचम अवतार है, कहते भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। कहते अभी प्रश्न है, तपस्या तो ये जीव करता है, लेकिन ये भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? आप लोग कोई बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन बद्रीनाथ गए? हाथ उठा दो। बद्रीनाथ कौन कौन गए? माताएं गई। इसलिए ये बद्रीनाथ में आप देखोगे वहां नर नारायण रूप में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। बोले ठाकुर जी क्यों तपस्या कर रहे हैं? बोले इसलिए तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी, जानते हैं कलयुग का जो जीव है वो तपस्या कर ही नहीं सकते, उनका हिम्मत नहीं। अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए, केवल एक बार श्री बद्रीनाथ को कोई दर्शन कर लेना, भगवान खुद कहते हैं मैं जो तपस्या करता हूँ केवल मुरे को जो दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से ही मेरे तपस्या का छठवा भाग का फल उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इतने महिमा बद्रीनाथ को दर्शन करना। इसलिए कहते जो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री अगर जीवन में एक बार कोई दर्शन करना कहा बताए, फिर जगत में उसका जन्म मृत्यु नहीं होना। पहले तो बहुत ही कठिन था, आप लोगों को पता होगा जब लोग वो चार धाम करने जाते थे पूरे वृद्धावस्था में बोल देते घर में हमारी साध क्या कर लेंगे, लगता है हम और वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? पहले चल चल करके जाना पड़ता था और रास्ता बड़ा बिहड़ रास्ता था, पेड़ को पकड़ पकड़ करके चलते थे। लेकिन अभी तक 10 दिन में पूरा ये चार धाम घूम धाम कर बढ़िया से आ जाओ, कोई कष्ट नहीं, आराम से बढ़िया से घूम धाम कर आ जाओ। इसलिए जीवन में एक बार चार धाम करनी चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं नारायण ये बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। जब तपस्या करने के लिए गए, इतने में नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, बोले प्रभु कहाँ है? बोले पता नहीं कहाँ गए। बोले प्रभु तो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। इतने में मैया लक्ष्मी देखने के लिए आई, देखा ठाकुर जी पर्वत के ऊपर में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। वहां दो पर्वत है, एक नार और एक नारायण, दो पर्वत वहां पर है, जो लोग गए देखे होंगे। और अलका नदा बड़े सुंदर कलकल नाद से बड़े सुंदर अलका नदा बह रहे हैं, वहां पर तप्त कुंड है, अद्भुत है वो पानी, इतने गर्मी हाथ नहीं दे सकते, लेकिन एक बार डूब जाओ ना तब तक निकलने का इच्छा नहीं करेगा। जब तक अंदर में नहीं जाते तब तक अंदर में डूबने की, एक बार डूब जाओ ना तब तक गर्मी नहीं लगता है। इसलिए वहां पर तप्त कुंड है, वहां पर जाकर के देखा भगवान तपस्या कर रहे हैं पर्वत ऊपर में। इतने में मैया लक्ष्मी ने उनको ऊपर में एक बेर वृक्ष बन करके प्रकट हो गई, बड़े सुंदर ठाकुर को छाया कर दी। भगवान देखा अभी तो धूप लग रहा था, बड़े सुंदर छाया कहाँ से आ गया? देखा ऊपर में माँ लक्ष्मी स्वयं बेर वृक्ष रूप में लक्ष्मी प्रकट हो गई। इसलिए कहते बद्री नारायण, जैसे सीता राम राधे श्याम बद्री नारायण, बद्री मतलब लक्ष्मी स्वयं, ये बद्री मतलब बेर वृक्ष बनी हुई थी, इसलिए बद्री नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण है। इसलिए जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। बताओ कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठा, हाथ उठा कम से कम। एक बार ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, एक बार प्रोग्राम बना करके आप सब धाम ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ये चार धाम ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन तभी उधर जाओ जब यहाँ बहुत गर्मी पड़ता है ना, तभी जाने का आनंद है, क्योंकि वहां पर जाओगे तो दो चार कंबल ओढ़ना पड़ता है, इतने ठंडी वहां पर है। और बड़ा आनंद, बड़ा अपूर्व स्थान है। देखो विदेश में कुछ नहीं, लोग चाहते ना
चलो हम विदेश घूमने जाएंगे, विदेश में कुछ नहीं है, मैंने गया है, लेकिन ये हमारे भारत में जितने तीर्थ स्थान है ना, बद्रीनाथ जाओ क्या आनंद है। अभी तो टूरिस्ट प्लेस हो गया, हजार हजार लोग जाते हैं, बड़े सुंदर झरना बह रही है, आकाशमान पृथ्वी मन आकाश का स्पर्श, बड़े सुंदर स्थान है, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, बड़े सुंदर सुंदर जगन्नाथ पुरी द्वारका जाओ। भारत में जितना तीर्थ है ना, हमारा भारत में, विदेश में कोई तीर्थ तीर्थ कुछ नहीं, विदेश में हमारे भारत में सब के सब तीर्थ हमारी भारत में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए जब श्री सुत गोस्वामी ये सारे भगवान के अवतार का नाम ले रहे थे, उन्होंने बोले जो भगवान कृष्ण है ये भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी इसको बोल करके डर गए, बोले मैंने तो अपराध कर दिया, पाप कर दिया। बोले क्यों? बोले मैंने कहा कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी। अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार प्रकट हुए हैं। इसलिए कि कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म, ये भगवान कृष्ण है। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। बताओ इस श्लोक को किसने कहा है? इस श्लोक किसने कहा है? भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात कह रहे हैं। बोले हे अर्जुन, जब जब इसी जगत में स्त्री पृथ्वी धर्म को ऊपर में कोई अत्याचार होता है, मैं ही युग युग में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ। कौन करते हैं? कृष्ण ही करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ही अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया। देखे कि नहीं भगवान की विराट रूप? कृष्ण क्या कहते हैं? बोले हे अर्जुन, देखो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर है। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, आप भी अच्छे तरह से समझो। क्योंकि हमारे देश में ना 33 करोड़ देवता है। कितना देवता है? जोर से बोलो, 33 करोड़ देवता। आप बताओ कितने को मनवाओगे? एक को मनाओ तो दूसरा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को फुला मनाओ तो चौथा मुंह फुला करके बैठ जाएगा। एक देवता को ग्रह को शांत कर तो दूसरा ग्रह आकर के तुम्हारी पीछे पड़ जाएगा, कितने को सुखी करोगे? लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता है ना, जिनको पूजा करने से ये 33 करोड़ देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, आप भी अच्छे से समझो। पहला उदाहरण दिया है जैसे कि पेड़ है, जैसे पेड़ का जड़ में जब पानी दो, फिर उसका पत्ते फल फूल में पानी देने का कोई जरूरत नहीं, पेड़ पूरा पूरा हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, उसको पत्ते को धोते रहे, फल फूल को धोते रहे, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? पेड़ जिंदा रहेगा। लेकिन कहीं भी पानी मत दो, केवल जड़ में पानी दे दो ना, पूरा के पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया जैसे भोजन करते हैं, ये भोजन कहाँ देते हैं? हम मुंह में देते हैं। अगर कोई बोलेगा कि हम आंखों में देखते हैं, थोड़ा आंख में डाल दो। कोई बोलेगा कान में सुनते, थोड़ा थोड़ा रोटी दे दो। कोई बोलेगा हाथ में काम करते, थोड़ा फाड़ करके उसमें चावल दे दो। कोई देता है क्या? कहाँ आहार कहाँ देते हो? मुंह में जब आहार देते हैं ना, ये सारी इंद्रियां काम करती हैं। ठीक उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, आप लोग तो विराट रूप कृष्ण का देखे होंगे ना, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन मैं कौन हूँ? जिसको तुम शंकर कहते हो, देखो वो शंकर मेरे नहीं है। जिसको तुम माँ देवी कहते हो, देखना वो देवी मेरे अंदर है। जिसको तुम हनुमान कहते हो, देखो हनुमान मेरे नहीं है। जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो गणेश मेरे नहीं है। जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण 33 करोड़ देवता, हे अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में कुछ है नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए मैंने एक एक देवता को अलग अलग काम में नियुक्त किया है। किसको? जैसे हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनने किसको वायु मंत्री बना दिया, किसको उसने अग्नि मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको पीत मंत्री बना दिया, किसने बनाया? ये मोदी ने बनाया।
उसी तरह ये मोदी प्राइम मिनिस्टर को मतलब भगवान कृष्ण उन्होंने किसको अग्नि देवता को अग्नि मंत्री और सरस्वती को विद्या मंत्री लक्ष्मी को धन मंत्री मैंने इनको एक एक मैंने उनका नौकरी में नियुक्त किया है। लेकिन जब कोई कृष्ण का शरण में आ जाए ये सबके सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। अगर कृष्ण को छोड़ करके अगर किसी दूसरों को पकड़ोगे ना एक को शांत किया फिर दूसरे आकर के तंग करना शुरू करेगा तीसरे को खुश करो चौथा आकर फिर पीछे पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है कभी ये सर्व कारण का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण को हम भक्ति कर लेते हैं कभी ये तैतीस कर्ण देवता अपने आप ये खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें अलग रूप में कहीं भटकने का कोई जरूरत नहीं। सबका सम्मान दो किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए लेकिन जो हृदय में है ना केवल भगवान को बैठे जैसे पिला कहती हैं मेरे तो गिरिधर गोपाला उसका आगे बोलो ये चीज समझो हैं। जैसे ब्रज की गोपियां उद्धव जब ब्रज में गए और उन्होंने ध्यान की बात सिखा दिया गोपियां क्या कहती हैं बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस एक मन सो गए श्याम संगे को आराध्य बीस। तू कहते हो ना कृष्ण को ध्यान करो कृष्ण सब जगह में लेकिन मन थोड़ी दस बीस है मन तो एक ही है ना वो एक मन तो एक वही दे सकते हो लेकिन कृष्ण जब से ब्रज से गए हमारे मन तो कान्हा को साथ मिल गया हम ध्यान और किससे करती हूँ मन तो दस बीस है नहीं ना मन तो एक ही है ना एक मन को तो एक ही तो दे सकते हो ना। जैसे उदाहरण दिया है जब एक लड़की शादी होकर के आती है अपना ससुर घर में वहाँ सास भी होती है ससुर भी होते हैं ननंद भी होता है जेठ सबको होता है लेकिन देखना बहुत सबको सम्मान देती है लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है बताओ हृदय में किसको बैठा कर पति को। अगर किसको साथ में लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए आप किसको लेकर अलग हो जाते हो किसको लेकर अलग आ जाते हो पति को। दिल की बात किसको बोलते हो दिल की बात किसको बोलते हो पति को ही बोलते है ना। इसी कहते उसी तरह कि जो भक्ति ही ठीक ऐसे ही है सम्मान तो सबको दो लेकिन दीन में ना केवल कृष्ण को छोड़ करके दीन में और किसको स्थान मत दिया करो। दीन में केवल मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरो ना कोई बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। इसलिए कहते नाम को अंदर में भी इसलिए हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं कहते भगवान के जितने नामों में है ना जो कृष्ण का जो नाम है ये सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम है। देखो अच्छे तरह से समझो एक समय माता पार्वती शंकर जी से पूछे बोले ठाकुर भोले बाबा बताओ हम किसकी भक्ति और किसके नाम लें। शंकर जी ने कहा देखो पार्वती बोले आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना पर जितने आराधना में भगवान विष्णु को जो आराधना पार्वती सर्वश्रेष्ठ आराधना है। इसलिए विष्णु का एक सहस्र नाम सुने होंगे एक हजार नाम है तो माता पार्वती रोज एक हजार नाम ले अभी एक हजार नाम लेने के लिए समय लग गया। एक दिन माता पार्वती भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे इतने में शंकर जी बोले पार्वती भोजन लाओ। पार्वती बोली प्रभु अभी भजन नहीं हुआ आप भजन बड़ी जल्दीबाजी करते हो कल तो भजन बाद में भजन है ना पहले एक हजार विष्णु का नाम लेने के तो समय लग गया मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहा हूँ। पार्वती बोली इधर आओ तेरे को और एक सरल उपाय बताता हूँ जिसमें परिश्रम तो कम होगा लेकिन फल ज्यादा मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं परिश्रम कम और माल ज्यादा हमें माल मिलनी चाहिए। इतने में पार्वती बोली प्रभु बताओ क्या है आप देखना वो विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है वो श्लोक कहते हैं बोले राम रामेति रामेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्फुल्लम श्री राम नाम वरमे। बोले हे सुंदरी पार्वती ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है इसको एक बार लेने से जो फल मिलेगा अगर किसने एक बार श्री राम का नाम ले लेते हैं बोले एक राम नाम के समान एक हजार विष्णु नाम
पार्वती बोली प्रभु तो मैं राम का नाम लूंगा। हाँ पार्वती भगवान राम का नाम लो। पार्वती तब से क्या करती थी, बोले द्रौपदी राघव राजा राम पति माता पार्वती प्रभु राम का नाम उस दिन तक जब ली, एक दिन शंकर जी फिर बोले पार्वती भोजन लाओ। बोले अभी भजन कर रहा, आप बहुत जल्दीबाजी करता हो, भजन पूरी होने दो फिर भोजन करूंगी। तब शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, और एक सरल काम बताता हूँ जो परिश्रम कम और ज्यादा फल मिलेगा। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर जी के श्लोक है, कहते सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा विद्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नाम एक तद प्रज छत। बोले हे पार्वती अगर ये विष्णु सहस्र नाम को तीन बार लो, मतलब 3000 विष्णु का नाम लो, जो फल मिलेगा। अगर एक बार कोई कृष्ण बोल देता है और एक बार कृष्ण नाम से वही फल मिलता है। इसलिए पार्वती जो कृष्ण नाम है ये पूर्ण ब्रह्म श्री भगवान कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपशम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कि जो भगवान कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म ये सनातन भगवान कृष्ण जो स्वलोक कला में जो परिपूर्ण है। इसलिए कृष्ण का नाम पार्वती श्रेष्ठ नाम है। अभी माता पार्वती बोली कर कृष्ण का नाम लो। बोले हाँ पार्वती तुम कृष्ण का नाम लो। जब कृष्ण नाम ले रही थी और एक दिन शंकर जी बोला, बोले पार्वती आज तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा जो बात मैं किसी को नहीं बताया। बल्कि कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो कुछ दिन पहले बता रहे थे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है, आप फिर कह रहे हो कृष्ण से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये स्वयं बांके बिहारी ये बात चंद्रमा को बताए थे। देखो ये श्लोक है, ये कृष्ण चंद्रमा को कह रहे हैं। बोले मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा कितम। ये कृष्ण कह रहे हैं। बोले चंद्रमा अगर मेरे 100 बार कोई नाम ले उसमें जो पुण्य मिलेगी, अगर एक बार श्री राधा रानी का नाम ले लेना, एक राधा रानी का नाम के समान मेरे 100 नाम है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। वहां पर क्या बोलते हैं, अरे जोर से बोला और जोर से बोला। इसलिए इतने महिमा श्री राधा रानी का नाम है। पार्वती बोली प्रभु फिर सब मैं सब नाम को छोड़ दूंगा, केवल राधे 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 लगते रहूंगा, दिन भर राधे राधे बोलूंगा। शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी बड़ा रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य, हम तो कृष्ण खुद जब कहते हैं मेरे 100 नाम में एक राधा जी का नाम भरा, फिर क्या रहस्य है। कहते पार्वती ये रहस्य है। बोले राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी।
देखो अगर तुम केवल राधे राधे बोलोगे ना वहां पर राधा रानी नहीं आएगी, बोले वहां पर कौन आएगा, बोले आएंगे बिहारी, वहां कृष्ण आएंगे राधा जी नहीं आएंगी। इसलिए कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती हैं और कृष्ण नाम से राधा रानी खुश और राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं पार्वती। अगर तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो वहां राधा आएगी। बोले भैया फिर किसका नाम ले, अब उन्हें कंफ्यूज कर दिया। अभी कृष्ण कृष्ण बोले ना राधे राधे बोले, बोले देखो दोनों का नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे लेनी चाहिए, बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। बोले जो हरे नाम है राधा जी का नाम है, इसका मूल शब्द हरा है, वो संबंधन में हो जाता है हे हरे, मतलब हे राधे, कृष्ण मतलब कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण और राधे कृष्ण। उसमें फिर हरे राम आता है, फिर हरे मतलब राधा रानी, फिर राम फिर यहाँ कहाँ से आ गए। क्योंकि इसमें जो राम शब्द है ना वो अयोध्यापति, जो राम का नाम इसमें नहीं है, ये कृष्ण का ही एक नाम राम है। हम लोग कहते हैं ना राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इसलिए राधा जी को साथ में रमण करती हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम राम है। इसलिए जो राम शब्द महामंत्र में ये कृष्ण को ही उद्देश्य करता है, ये जो महामंत्र है ये केवल राधा कृष्ण का ये नाम है। इसलिए आप लोग यही नाम को जप करना, जितने मंत्र में इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया इसलिए इसका नाम महामंत्र है। जितने मंत्र में राजा ये हरे कृष्ण महामंत्र बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रह रहे हैं, लेकिन कृष्ण जब जब कोई इच्छा करते थे द्वारका जाने के लिए, ये पांडव लोग घर से निकलने नहीं देते ठाकुर जी, कुछ ना कुछ बहाना बना देते। एक दिन कृष्ण ने हैं, एक दिन मैया कुंती ने आकर के भगवान को स्तुति करती है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले ठाकुर जी ये जगत में जो कृष्ण की भक्ति करते हैं जगत में को बड़ी भाग्यवान व्यक्ति, लेकिन उनसे बड़े कौन है, बोले देवकी और वसुदेव। क्योंकि जो वसुदेव महाराज कृष्ण तो जगतपति जगन्नाथ हैं, लेकिन भगवान पिता किसको बनाए, श्री वसुदेव महाराज को। कहते उनसे बड़ी कौन, बोले देवकी मैया, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड भगवान की उदर में रहते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी उदर में आए, बोले देवकी गर्भ में आए। बोले उनसे बड़े कौन है, बोले श्री मैया जसोदा और श्री नंद बाबा, क्योंकि मथुरा में कृष्ण तो प्रकट हुए लेकिन उन्होंने मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला कहाँ पर की है, कितना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन कृष्ण को उखल में बांधा किसने,
मक्खन खिलाया किसने, कृष्ण को गोद में दूध किसने पिलाया, कलिए मैया जसोदा ने पिलाया है। इसलिए एक नंद जसोदा श्रेष्ठ है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, बोले भगवान जिन गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास किया है। रास मतलब होता है रस विस्तार करना, जहां पर स्वयं शंकर भी रास दर्शन करने के लिए शंकर गोपियों में आए, इसलिए शंकर जी का एक नाम क्या पड़ गया, गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ऐसे ठाकुर लीला के शंकर को भी गोपी बनना पड़ा, ये रास लीला श्रेष्ठ है। लेकिन ये कहते उनसे बड़े कौन है, बोले सर्व गोपेश सर्वता विष्णु रतन तगलवा। ये गोपियां भी जिनके चरण की सेवा करती हैं, बोले किसकी चरण की सेवा करते हैं, बोले श्री राधा रानी की। इसलिए मैया कुंती ने कृष्ण को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की। इतने में कृष्ण ने कहा, बुआ जी तू तो आज उल्टा दुल्हा बाहर है, मैं तुम्हारी भांति जाऊं, मैं तुमको वंदना करे, लेकिन तू उल्टा मेरे को वंदना कर रही हो। मैया कुंती ने कहा, कन्हैया यही तो तेरी माया है, कहा विश्व ब्रह्मांड तुम मालिक हो, हैं दुनिया को नचाने वाले तुम हो, किसको भैया किसको बहन किसको बुआ तुमने बना करके ये संसार के चक्र में तुम घटा रहे, यही तेरी माया समझना बड़ा कठिन तेरी माया समझना। कभी ब्रज में तुमने मक्खन चोरी की, मटकी फोड़ दी, मैया ने तुमको पकड़ ली और उखल में तेरे को बांध दिए, और उसी समय तू सिसक सिसक करके रो रहा था। मैंने कहा हे भगवान, जिनकी डर से स्वयं काल भी थरथर कांपते हैं, लेकिन आज तो मैया की डर से थरथर कांप रहा था। इसलिए मैंने देखा तू तो नाटक नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा नाटक नहीं, सचमुच से मैया की डर से तुम डरे हुए हो। कन्हैया तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ जी, एक काम कर, बोले किया, बोले तुम मेरे पास से आज तू वर मांग ले, जो कुछ मांगोगे ना आज मैं तेरे को सो देने के लिए तैयारी। मांगो क्या वर मांगते हो, बोले विपति संतुन साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले ठाकुर जी अगर मेरे को देना चाहते मेरे झोली में दे दो। बोले क्या चाहते हो, बोले मेरे झोली में विपत्ति दे दो, मेरे झोली में विपत्ति दे दो। कृष्ण ने कहा बुआ जी सारा दुनिया कहते हैं सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिट तमिटा जय जगदीश हरे, सब कहते ना भगवान से क्या मांगते हो, दुख घर से दुख हट जाए, घर में सुख संपत्ति आए, दुनिया तो मेरे को यही मांगते हैं। लेकिन पहला व्यक्ति मैंने देखा तू मेरे को अपना दुख मांग रहे, बोले दुख क्यों मांगते हो, देखो ध्यान दे, ये दुख क्यों मांग रहे हो, बोले प्रभु दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख कहीं को आई। इसलिए यदि दुख के मात्र सुख के मात्र सील पड़े, जो राम हृदय से जाए कली हरी और दुख को जो पंथल नाम जपाए। आप बताओ तो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप दुख में भगवान को ज्यादा स्मरण करते हो ना सुख में करते हो, बोलो ठीक ठीक से बोलो, बताओ दुख में स्मरण करते हो ना सुख में करते हो, दुख में। इसलिए क्या कुंती एक अच्छी बात कहती है, बोले ठाकुर जी चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेगी। देखो क्या कहती है, बोले जिसको ज्यादा पैसा हो जाए, देखना उनको भी ज्यादा सत्संग में भी देखने को नहीं मिलेगा, उनको स्थान तो जुआ कहीं शराब पीते होंगे, कहीं पार्टी में बैठे हुए होंगे, हैं इधर उधर देखोगे, नाइट क्लब में जाते होंगे, उल्टा पुल्टा काम देखोगे, ज्यादा पैसा वाला कथा में भक्ति में दिखे नहीं करते वो लोग। बोले जन्म जिसको ज्यादा ऊंचे कुल में जन्म हो जाए वो भी अभिमान आ जाएगा, और श्री जिसकी थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए हीरो हीरोइन उनको भी प्रभु के भजन में देखने नहीं मिलेगा, और ज्ञान जिसको अंदर में थोड़ी सी ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो जाए ना, थोड़ी सी ज्ञान हो जाए, कहते प्रभु ये चार करता व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेंगे, तेरी भक्ति नहीं करेंगे, उनका बड़ा अभिमान आ जाती है। लेकिन अगर किसको अंदर में ये चीज है, पैसा है, जन्म अच्छा है, देखने में सुंदर ज्ञान, अगर प्रभु की भक्ति कर रहे ना, समझना ठाकुर जी की उनको ऊपर में बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा उनको ऊपर में। इसलिए कुंती कहती है प्रभु मेरे झोले में विपत्ति भर दो, क्योंकि विपत्ति में तेरे स्मरण होता है।
बोले प्रभु इसका प्रमाण देख लो, जब जब हम जंगल में भटकते रहे, जब जब तुमको हमने याद किया, हमने आकर रखा किया, जब द्रौपदी की वस्त्र हरना हो रही थी उसी समय बुलाया था आपने आया, जदुग्रह में जब तुमको जलाने के लिए कोशिश किया तभी आया, जब जब जंगल में कभी विपत्ति आई तुमको याद करते ही झट तुमने आए। लेकिन अभी हम संपत्ति आ गया घर में, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, कुंती राजमाता बन गई, द्रौपदी राज रानी बन गई, घर छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन जब विपत्ति था हर समय हमारे पास में रहे, इसलिए ठाकुर जी हमें विपत्ति कही तो हाँ देखो और एक चीज समझो, बोले इसका मतलब क्या भक्तों को पर विपत्ति आई, भक्तों को पर विपत्ति आए, बोले नहीं इसका मतलब ये नहीं है जो हमें विपत्ति दो, इसका मतलब है वो कहती है बोले प्रभु हमें जिस अवस्था में रखना तो उसी अवस्था में रख ले, लेकिन जैसे हम कभी कभी को भूले नहीं, इसलिए कैसे जिस देश में जिस बेस में परिवेश में रहो, राधा रमन कहो ठाकुर जी, जिस अवस्था में तुम क्यों नहीं रखे, जैसे कभी मैं तुमको भूलू नहीं, हर समय तेरे में याद करते रहूं, इसलिए मैया कुंती ये स्तुति कर चाहते हैं, बोले विजय सखे रति वस्तु में अनंत,
जो अर्जुन का जो सखा जो कृष्ण है उनके चरण में हमें प्रेम की प्राप्ति हो। इतने में कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म, अर्जुन को सखा की बात क्यों नाम ले रहे हो? बोले प्रभु मैंने स्वयं देखा है आप कौन हो, विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, लेकिन मालिक होकर क्या कर रहे थे? बोले अर्जुन को घोड़ा को आप चला रहे, आप सारथी में रहे थे, आप घोड़े जब कोई भूखे हो जाए भूखे उनको घास खिला रहे थे, घोड़े अगर थक जाए आप उनको मालिश कर रहे थे, और स्वयं सारथी कहा दुनिया के मालिक आप सारथी का काम कर रहे थे। इसलिए ये चीज को हमने देखा है, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान अर्जुन का रथ हमको भूल गए ठाकुर आई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप प्रेम में बसीभूत होकर के भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमारी जो मति है ना ये श्री अर्जुन का सारथी कृष्ण के चरण में हो जाए। देखो क्यों हो जाए, कारण क्या, कारण बताए कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था अर्जुन इतने सैनिक को मार रहा था, इतने सैनिक को, एक दिन दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया, पितामह भीष्म के सेनापति पद में इनके सेनापति पद में अर्जुन खारी खुटी उनको सुना दिया, बोले अगर हमें पता चलता पांच पांडवों को नहीं मारोगे आपको तो हम कभी सेनापति पद में नियुक्त ही नहीं करते, आप देख रहे हो अर्जुन कितने सैनिक को मार रहे हो हैं, इसलिए हम बेकार आपको सेनापति पद में नियुक्त किया। इतने में पितामह भीष्म को ताव आ गया, क्रोध आ गया, बोले दुर्योधन चिंता मत करो कल महाभारत को समाप्त, मैं पांडवों के लिए पांच बाण बनाऊंगा, पंच पांडवों को कल खत्म कर दूंगा। अभी युद्ध के बाद में सब सोए हुए, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही क्योंकि युद्ध से पहले ये कुंती ने अपना पांच बेटे को लेकर के बोले कृष्ण ये पांच बेटे मैं तेरे शरण में दे रहा हूँ, ये मेरे पांच बेटे को तुमने रक्षा करना। कृष्ण ने कहा बुआ जी कितना जा के राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई, जिसको ठाकुर जी कृपा करते हैं ना उनको जगत में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोले बुआ जी विश्व ब्रह्मांड भले ही प्रलय हो जाएगा लेकिन ये पांच पांडवों की बाल बांका नहीं हुई। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा की है, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जो मेरे शरण में आते हैं उनको कभी विनाश नहीं होता है, ये भगवान प्रतिज्ञा किए ठाकुर जी मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो। देखो भगवान कितने दयालु, देखो पंच पांडव सो रहे हैं युद्ध करते करते थके हुए लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही, कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर हो रहे हैं, भगवान को नींद नहीं आ रही। बोले क्यों, कहते मैंने जो प्रतिज्ञा की थी मेरे भक्तों का विनाश नहीं, कब तो पितामह भीष्म पंचवर भक्तों को मार डालेगा, भगवान प्लानिंग कर रहे हैं कैसे मैं अपना भक्तों को कैसे रक्षा करें, प्लानिंग कर रहे हैं। इतने में कृष्ण गए अर्जुन को उठाए, बोले अर्जुन उठो अर्जुन उठो अभी सोने का समय नहीं। इतने में अर्जुन का क्यों तंग कर रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते थका हुआ फिर कल सवेरे युद्ध करना पड़ेगा क्यों उठा रहे हो? बोले पितामह भीष्म ने पांच बाण बनाया तुम्हारे लिए, कल पांच पांडव को खत्म कर देना इसलिए उठो। बोले अच्छी बात है, अगर पंच पांडवों को अगर खत्म कर दिया न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा कृष्ण के पांच भक्त थे और मर गए। बोले यही तो दिक्कत है ना, मैंने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं, लेकिन अगर मर जाएंगे तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी ना, इसलिए उठो अर्जुन। अर्जुन उठे बोले क्या करना बता, बोले तुमको याद होगा आप लोगों ने महाभारत देखे हो, कौन कौन महाभारत देखे हो आप देखना, जब पंच पांडव का वनवास हो गया था ये दुर्योधन कर्ण दुशासन उनको अपमान करने के लिए वो जहाँ रह रहे थे पास में अपना डेरा डाल दिया और शराब पी पा करके उनको तंग करने के लिए गए थे। जब तंग करने के लिए गए इतने में इंद्र ने, ये इंद्र का बेटा अर्जुन है, ये इंद्र ने ये चित्रगुप्त को भेज चित्रसेन को भेज दिया, बोले ये दुष्ट दुर्योधन मेरे भक्तों को तंग करने के लिए आए, जाओ ये दुर्योधन को पकड़ कर ले आओ। चित्रसेन ने आया और दुर्योधन को परास्त करके उसको बांध करके स्वर्ग ले जा रहा था। इतने में
इनके अंदर के भागते भागते श्री युधिष्ठिर महाराज के पास में आए, बोले दुर्योधन को बांध करके चित्र से ले जा रहा है, आप उनको रक्षा करो। इतने में उन्होंने अर्जुन को भेजा तो अर्जुन आया और युद्ध करते हुए उन्होंने चित्रसेन को परास्त कर दिया। और इतने में दुर्योधन को आकाश से फेंक करके जा रहे थे, इतने में नीचे गिरेगा तो मर जाएगा। इतने में अर्जुन ऐसे बाण मारा, वो एकदम सीढ़ी बना दिया और वो सीढ़ी ला करके ठीक युधिष्ठिर महाराज के चरण तक खत्म किया। और दुर्योधन लुढ़कते सीधा श्री युधिष्ठिर महाराज के चरण में गिरा। जब चरण में गिरा इतने में श्री दुर्योधन ने कहा, अर्जुन अगर तुम नहीं होता है ना, लगता है आदमी मर जाता, इसलिए आज तेरे ऊपर में मैं बहुत खुश हूँ। तो आज जो कुछ मेरे को बल मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम जी भर करके मेरे से बल मांग लो। अर्जुन ने कहा, अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा ना फिर जा करके मैं तुमको मांग लूंगा। इतने में कृष्ण जब याद दिलाया, बोले याद है कि नहीं, दुर्योधन ने कहा था बल देने के लिए, बोले याद है, बोले जाओ अभी काम आएगा। बोले क्या करना बताओ, बोले दुर्योधन के पास में जाओ, उसका जो ड्रेस है ना वो ड्रेस को मांग करके ले आओ, और ये ड्रेस को तुम कहीं भी करके पितामह भीष्म के पास में जाओ। पितामह भीष्म को अंधकार में वो ड्रेस पहन करके जाना, और दुर्योधन की जैसे गला की आवाज, ठीक वैसे गला की आवाज से श्री पितामह भीष्म को बोलना, पितामह भीष्म जी आप क्यों पंच पांडवों को मारोगे, ये पांच बाण आप मेरे को दे दो, मैं मार दूंगा, इसलिए ये पंच बाण को तुम ले आओ। बस अर्जुन गया और अर्जुन जा करके दुर्योधन का ड्रेस पहन करके जाओ ना, वो जैसे ड्रेस पर वैसे लगता है। और उन्होंने ठीक दुर्योधन का गला की आवाज से बात करते हुए अंधकार में उन्होंने पांच बाण को उन्होंने वापस ले आए। और वापस ले आए तो थोड़ी देरी बाद में दुर्योधन आया। जब दुर्योधन आया इतने में पितामह भीष्म ने कहा, बोले दुर्योधन तुमने अच्छा काम किया है, मेरे को पांडव को मारना नहीं पड़ेगा, तुमने ये पंच बाण को ले लिया, बहुत अच्छा काम किया। जब ये बात बताए ना इतने में दुर्योधन ने बोले भैया कौन सा पांच बाण है, बोले अभी तू आया था ना, अभी तेरे को तुमने पांच बाण दे दिया, बोले नहीं मैंने नहीं आया, बोले फिर, बोले ओ इसीलिए अर्जुन ने मेरे पास से अपना ड्रेस को इसलिए मांग करके और मेरे रूप धारण करते हुए ले गया। देखो भगवान कैसे अपना भक्तों को ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। इसलिए एक कहते हे प्रभु, हमें अर्जुन को आप जैसे बारंबार कोई भी विपत्ति आए तो ठाकुर ने किया क्या, अर्जुन को बचाया कि नहीं। महाभारत में देखे होंगे जब अभिमन्यु का वध हो गया, जब दुर्योधन को पता चला मेरे बेटे को किसने मारा, किसकी वजह से मरा, ये जयद्रथ की वजह से मरा। अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा किया, कल सूर्यास्त से पहले अगर ये जयद्रथ को मैं मार नहीं पाऊंगा तो मैं सशरीर में अग्नि में अपना शरीर को आहुति दे दूंगा। आप लोगों ने महाभारत देखे कि नहीं, कौन कौन देखे महाभारत, उस समय कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने दीन को भी उन्होंने रात बना दिया, दीन को भी उन्होंने चक्र को भेज करके दीन में भी उन्होंने रात बना दिया। इसीलिए बोले अर्जुन देखिए कहते हे प्रभु, अपने अर्जुन का है जो सारथी जो कृष्ण, इसलिए इनकी भक्ति चाहता हूँ, जिनकी शरण में जाने पर जैसे हर समय आपने ये अर्जुन को रक्षा किया है, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगा ना आप भी हमें रक्षा करेंगे। इसलिए प्रभु अर्जुन का सारथी कृष्ण चरण में हमारी रति मति हो, भक्ति हो। इतने में पितामह भीष्म को पूछे, क्या आप ये बताना चाहते हो जगत में जितने भी कृष्ण को भक्ति सबने की है, क्या अर्जुन का भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, बोले नहीं नहीं प्रभु, अर्जुन का भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति तो ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का, राधा रानी ने जैसे कृष्ण को भक्ति की, गोपियों ने जैसे भक्ति की, ऐसे भक्ति दुनिया में किसी ने नहीं की, ब्रज भक्ति ही जगत में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए पितामह भीष्म ने ठाकुर जी सामने खड़े हुए और उन्होंने ठाकुर जी का नाम को लेते लेते अंतिम श्वास को त्याग दी, सारे देवता लोग स्वर्ग में देख देख करके हैरान हो रहे थे, बोले क्यों, बोले जनम जनम
मोहि जत न अंतिम समय में ठाकुर का नाम नहीं आता। देखो पितामह भीष्म को सामने कृष्ण खड़े हुए ठाकुर का दर्शन करते हुए उन्होंने अंतिम श्वास को त्याग दी। स्वर्ग से देवता लोग भी उसको की बौछार की, बोले श्री पितामह भीष्म की। अभी भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका गए, 7 महीना हो गया। अर्जुन 7 सारथी बनकर के विदाई दिया था, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। एक दिन युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे, सारे अपशगुन देख रहे थे। जब अर्जुन वापस आया पूरा चेहरा उतरा हुआ, बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले भगवान कृष्ण जगत छोड़कर चले गए। जब जगत छोड़कर के चले गए ये बात को कुंती सुनी, उसी समय में ही उन्होंने शरीर त्याग दे दी। पंच पांडव भी संसार को छोड़ करके युधिष्ठिर महाराज श्री परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए पंच पांडव भी महाप्रयाण में पंच पांडव भी चले गए। जब पंच पांडव चले गए, अभी एक दिन श्री परीक्षित महाराज ने देखा, पर अपशकुन देखा। बोले भैया ये अपशकुन क्यों देख रहा हूँ? हमने भ्रमण करने के लिए गए, मेरे देश में कहाँ अनहोनी हो रही है। भ्रमण करते एक आश्चर्य घटना देखा, बोले आश्चर्य घटना क्या देखा? ध्यान देकर सुना। उन्होंने ये देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, और दूर में देखा एक बैल का 3 प्यार नहीं, उसको 1 प्यार में खड़ा हुआ, और 1 प्यार को एक शूद्र राजा वेश में वो 1 प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो विष्टा मूत्र को विसर्जन करते हुए बड़ी जोर जोर से वो रो रहा था। वो बैल इसको देख कर बड़ा आश्चर्य लगा, बोले मेरे देश में इतना अनीति। उन्होंने म्यान से तलवार को निकाला और मारने के लिए झपड़ पड़ा। इतने में उसने देखा ये अर्जुन का वंशज है, तुम जितने बड़ा पापी क्यों नहीं हो, अगर अर्जुन का वंश में जो आया है ना उनके चरण में गिर पड़े, वो कभी मारते नहीं शरणागत व्यक्ति को। उन्होंने सीधा उनके चरण में लेट गए। तो उन्होंने पूछा, भैया बताओ तुम कौन हो? बोले मैं कली हूं। बोले ये गैया कौन है? बोले ये गैया ये धर्म है, ये गैया पृथ्वी है। बोले ये गैया क्यों रो रही है? बोले भगवान कृष्ण जगत छोड़ कर चले गए, अभी ये कलयुग आएगा, कलयुग में लोग पाप कर्म करेंगे, ये पृथ्वी सोच रही है मैं पाप को कैसे सहन कर, इसलिए रो रही हूँ। बोले ये बैल कौन है? तुमने बैल से पूछे, भैया तू कौन हो? तू क्यों दुखी? बोले मैं धर्म हूँ। बोले तू क्यों दुखी हो? बोले सत्य त्रेता द्वापर 3 युग चला गया, धर्म का 4 ही चरण है, धर्म का 3 चरण खत्म, कलयुग में धर्म केवल 1 प्यार में खड़ा हुआ है। बोले तू कौन? बोले मैं कली। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले धर्म जो 1 चक्र में खड़ा हुआ इसको भी मैं तोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ, मतलब कलयुग में कोई धर्म कर्म रहे नहीं, सब पापी पापी बन जाए, दुनिया में पाप फैल जाए। परीक्षित महाराज ने बोले, देखो जब तक मैं दुनिया में हूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ से निकल जाने पर जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाऊं? ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में आपका राजत्व है, मैं जाऊं कहां? जब ये तीनों को अपने स्थान दिया, आप कृपा करके मेरे को भी स्थान दे दो। अभी श्री परीक्षित महाराज सोच रहे हैं
ये कलयुग का स्थान दो की नहीं दो। उन्होंने देखा यद्यपि कलयुग में अधर्म अधर्म है, लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण है। अरे कलयुग में विशेष गुण क्या है? मतलब थोड़ी सी प्रभु का नाम कीर्तन कर दो ना, कहां से बड़ा पाप हो जाएगा। कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, कलयुग को स्थान में स्थान दे दिया। अब लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी एकदम और नजदीक में आ जाओ, थोड़ा नजदीक में आ जाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे। और एक बार जोर करके बोलो श्री परीक्षित महाराज कलयुग को अपने स्थान में केवल भैया कलयुग में यद्यपि अधर्म अधर्म नहीं है, लेकिन एक गुण है कि जो कलयुग है ना, देखो ध्यान से सुनो, ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? जो का नाम कली, कली मतलब क्या, झगड़ा। देखना बहु बहु में झगड़ा, घर में भाई भाई में झगड़ा, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओ वहां भी झगड़ा, देखना तुम्हारी पड़ोस में भी झगड़ा, मन मन में भी झगड़ा, सास बहु में झगड़ा, सास बहु ननद में झगड़ा। आप देखना ये कलयुग में सब झगड़ा है, और कलयुग को सबसे पाप युग बताया गया, इसलिए कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन अभी जो कलयुग में हम आए ना, ये कलयुग का इतने पुण्य है, ये कलयुग की इसी कलयुग में स्वर्ग का देवता लोग भी जन्म लेना चाहते। इसी कलयुग में सत्य त्रेता द्वापर ये तीन युग का लोग इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? बोले जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले ब्रह्मा कितना बड़ा है, कितने दिन में एक बार महाप्रभु आते हैं कलयुग में। हर त्रेता में ये राम भी नहीं आते, हर द्वापर में ये कृष्ण भी नहीं आते, ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, इसलिए ये कलयुग इतने धन्य है। अब गिनो ये कलयुग कितना दिन में आता है, मैं इसकी अंक बता रहा हूँ। ये कलयुग का ध्यान सुनो, आप बताना कलयुग का जो परमायु है वो 432,000 साल, कितना बोलो, कहते द्वापर युग का परमायु उसको दो गुना कर लो, कितना होगा 864,000। कलयुग को तीन गुणा कर दो त्रेता गुण, त्रेता युग कितना दिन होगा, कितना दिन हुआ है। सत्ययुग को कलयुग का चार गुना कर दो, चार गुना कर दो उसको पूरा मिलाओ, मिलाने पर उसको कहते हैं एक महायुग, एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 मतलब 71 जब ऐसे सत्य त्रेता द्वापर मिलता है उसको एक मन्वंतर कहते हैं। कहते ऐसे जब 14 मनु जब बीत जाते हैं तब एक बार इसी कलयुग में महाप्रभु आते हैं, राम और कृष्ण आते हैं। हर समय ये कृष्ण राम नहीं आते, इसलिए ये जो कलयुग की इतने महिमा है कलयुग को, कहते सप्त त्रेता द्वापर युग का लोग और स्वर्ग का देवता भी कलयुग में ये मानव रूप लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले ये कलयुग में इतने ठाकुर ने आसान रख दिया भक्ति को, और बड़े सरल मार्ग बताया, केवल प्रभु का नाम लो, परिश्रम तो कम करोगे लेकिन जो फल है ना कलयुग में सबसे ज्यादा फल मिलेगा। हैं? क्या फल मिलेगा? कहते ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम के लिए ये लोग भी तरसते हैं, महाप्रभु आसानी से थोड़ी सी हाथ में ताली बजा करके थोड़ी हरिनाम कीर्तन कर दो ना, महाप्रभु दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु दे देते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने देखा यद्यपि ये कलयुग पाप का युग है, लेकिन कलयुग का एक विशेष महत्व है, ये कलयुग में से चैतन्य महाप्रभु आएंगे और हमारे जो सनातन धर्म है ना, ये संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में ये धर्म प्रचार होगा। आप पता है एक इस्कॉन नाम सुने हो? कौन कौन सुने इस्कॉन का नाम?
आप देखना विदेशी लोगों को देखो, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, वहां के लोग भी देखो गले में कंठी तिलक और चोटी लगा करके, चोटी रख करके भगवान के नाम जप करते हैं। देखे अंग्रेज लोगों को देखे हो, ये लोग भी भगवान के नाम जप कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व में हमारी ये सनातन धर्म प्रचार होगा। ये परीक्षित महाराज ने अपना दिव्य दृष्टि से देख लिया, बोले भैया कलयुग यद्यपि तुम पापी पाप जो भैया तुरह कलयुग में, इसलिए उनको उन्होंने स्थान दे दिया, स्थान दे दिया, कलयुग रह गया। लेकिन बोले भगवान के नाम करने से उद्धार हो जाएगा। जैसे आपको कोई बीमारी, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, जब डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर बोलेगा अगर सचमुच से आपका बीमारी सही करना चाहता है ना, बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा है, लेकिन परहेज को साथ में दवा लोगे तो दवा जल्दी असर करेगा। इसलिए भगवान का नाम ही कलयुग में यही मेडिसिन है, यही दवा है। लेकिन भगवान के नाम करने के लिए भागवत में बोले केवल चार नियम को पालन कर लो और थोड़ी सी हरिनाम करना बड़ा पाप। बोले चार नियम क्या, अच्छी तरह सुन लो। पहला नंबर है दूतम। दूतम मतलब होता है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। कली का पहला स्थान ही सत्य, इसलिए जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं ना, आप देखना वो सच नहीं बोलते हैं, वो झूठ ऊपर में झूठ बोलते हैं। कहते जुआ खेलने से धर्म का जो पहला चरण सत्य है ये खत्म हो जाएगा। दूसरा जुआ, अभी आप लोग ने युधिष्ठिर महाराज का नाम जानते हो, ये बोले देखो मैं धर्मराज हूँ, लेकिन ये जुआ खेल कर कितने सत्यानाश हुआ। जुआ खेला तो पहले राज्य गया, उसको बाद में भाइयों को भी दाव पर लगा दिया, भाई लोग भी गए, उसको बाद में द्रौपदी को भी दाव पर लगाए और द्रौपदी को जब हार गए, भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण देखना पड़ा, उसको बाद में 12 साल तक जंगल में रहना पड़ा और 1 साल इराद राज्य में अज्ञातवास में हमें नौकरी करना पड़ा। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया कभी ये जुआ भुआ में हाथ मत लगाए करो, इतने नीचे तक तुम उतर सकते हो। इसलिए भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दुनिया में देते हैं, खबरदार कभी जुआ में हाथ नहीं। जो सियार कंपनी कंपनी है ना, ये भी बड़ी ये भी एक तरह का जुआ ही है, हैं? भगवान जितने दिए उसमें खुश रहो और खुश रह कर क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, ये जुआ में हाथ मत लगाया करो। धर्म का पहला चरण सत्य कथा। दूसरा है पानम। पानम में किसी तरह का नस्ली वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। जीवन में एक ही नशा हो, भगवान की भक्ति ही नशा हो। लेकिन जगत का जो नशा रात को नशा करो सभी उतर जाती है, लेकिन जो भगवान की जो प्रेम की नशा है ना, ये उतरने वाले नहीं, ये हर समय चढ़ती रहती है, ये नशा चढ़ती रहती है। इसलिए कभी भी ये सब चीज को गुटखा फुटका नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। जिसने ये गुटखा का कंपनी खुला था, आपको पता होगा वो खूब कैंसर रोगी बना, खूब तो मरा और दुनिया को मरवा कर गया। बताओ ये गुटखा का पहला खेल क्या है, बताओ गुटखा का पहला खेल क्या, बोलो जोर से, गू है ये गुटखा नहीं है, गू है। ये सब चीज का हमें नहीं लेनी चाहिए और ये शराब भी हमें नहीं पीनी चाहिए, शराब भी गंदी चीज है। संत लोग कहते हैं शराब पीने से 3 लाभ है, कितना लाभ है जोर से बोलो, 3 लाभ। पहला लाभ वो बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा लाभ है कुत्ते उसकी दोस्त बने। बोले इसका मतलब क्या, पहला लाभ बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो मिलेगा, तब तो जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा ना, तो पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमारे परिचित कोई व्यक्ति थे, कोई एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आए, उसको दो छोटे छोटे बच्चे, माता जी 30 साल की होगी। मैंने कहा ये बच्चों को पिताजी कहाँ है, बोले मर गई, बोले कैसे, बोले पीते थे, बोले पीते थे, जब पीते पीते ऐसे नाड़ी नाड़ी सब बता सब लिवर जब पकड़ा गया, बचने का कोई सवाल है। इसलिए दूसरा लाभ क्या, बोले चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, और तो जो होगा पी पा कर खत्म कर दिया तो चोरी की सुविधा होगी। बोले कुत्ते दोस्त बनेगी, मतलब कहीं पी पा कर जो रोड में पड़ा रहेगा
अब कुत्ते यहाँ मेरे मुंह से आग जाएंगे तो इसलिए ऐसा चीज नहीं रहनी चाहिए, इसलिए नस्ली वस्तु हमें दूर रहनी चाहिए। क्या इसको लेने से तपस्या नहीं कर सकते? एक व्यक्ति तपस्या कब करेगा? जो बुद्धि स्थिर हो तब तो तपस्या करेगा ना, जब बुद्धि तुम्हारी विकृत है तपस्या कैसे करेगा? इसलिए ये नष्ट हो जाती है। तीसरी चीज है स्त्रीय, कहते स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में? कहते जो अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री और स्त्री जो पुरुष को साथ मिलते हैं, संसार करो शादी करके अपना पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना संसार को बसाओ, अपना गृहस्थी धर्म को बसाओ। ऐसे नहीं बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर घूम रहे हो, शास्त्र ये चीज को एकदम मना कर दिया है, तभी तो इतना डाइवोर्स क्यों हो रही है? इसी वजह से हम हो रही है। इसलिए यह धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा है जीव हिंसा। जीव हिंसा में जो मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, इसलिए इसका नाम मांस। ये एक संस्कृत शब्द है, मान मतलब होता है मुझको, सब मतलब होता है वह, मतलब अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, इसलिए इसका नाम मांस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मी ईट मी, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को वही खाएगा, क्योंकि बाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। भागवत में कथा की एक राजा थे जिनका नाम था सुरत राजा, वो यज्ञ में पशु बलि देते थे। एक दिन नारद जी मिले, बोले क्या कर रहे हैं? बोले पशु बलि देकर खा रहा हूँ। बोले इसका परिणाम क्या जानते हो? बोले क्या है? बोलते देखा, देख ले, उसको दिखा दिया उन्होंने। उन्होंने कमंडल से पानी लेकर के मंत्र पूर्ण करके जब छोड़ दिया ना, उसका शरीर छूट गया और इतने जमदूत आए गले में काल फांस बुलाकर खींचते हुए ले जा रहे थे। जितने जानवर मारा था लाइन करके खड़े, खड़गा लेकर के तलवार लेकर के। बोले भैया तू कौन हो? बोले भैया पहले काट कर खाया था, अभी आ जा तेरे को हम प्रतिशोध लेने के लिए आए। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, चींच रहा था छोड़ो। बोले हम तो जो खाते समय आनंद से खा रहा था, भैया बाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म एक एक जीवन में आना आएगा, भोगतना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीज को छोड़ करके शुद्ध रूप में साकार करते हुए भगवान की हम भक्ति करनी चाहिए। ये चार चीज में कली का निवास दे दिया, इसको खाने से दया नष्ट हो जाती है। दया अगर हृदय में हो हम कभी भी इसको काट करके नहीं खाएंगे। तुम्हारी दया ही नहीं है तब तुम दूसरों को खा रहे हो, दया होता तो कभी किसको हम काट ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते किसी जानवर को है। और जब किसी जानवर को मारते हैं वो हाँ भरता है, लेकिन जो वो हाँ भरता है उसको पाप को कौन लेगा? पड़ेगा हमें लेना पड़ेगा ना। हम कहते ना सुख पाना तो सुख दो, दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख देगे तो सुख मिलेगा, इसलिए ये सब चीज हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने चार स्थान में स्थान दे दिया तब भी ये कली खुश नहीं हुआ। बोले कहाँ कहाँ मैं घूमता रहा, मेरे को ऐसे एक स्थान दो जहाँ सब मिल जाएंगे। फिर उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया, सुवर्ण मतलब पैसा में। अब अक्सर करके देखिएगा कि जो चार तरह का जो अधर्म का काम है ना, जहाँ ज्यादा पैसा वहीं पर सारे काम होगा। बताओ वैश्या धर्म कौन जाएगा? ये शराब पीगा कौन? जुआ खेलेगा कौन? ये मांस इतना पैसा से कौन खाएगा? जिसको पास में ज्यादा पैसा सब यही पाप कर्म वहीं पर होती है। इसलिए बोले ये जो लक्ष्मी, पैसा को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी के दो बहाने, कितना बहाने? पहला नंबर उल्लू, अच्छे तरह से समझो, पहला नंबर उसका उल्लू बहाने। लक्ष्मी जब आती है ना उसका बहाना उल्लू, वो उल्लू को पर बैठ करके आती है और हमें उल्लू बनाता है, मूर्ख बनाती है। लेकिन कब उल्लू को घर बैठ करके आती है लक्ष्मी? जब लक्ष्मी को घर में आप बनाओ अपना भोग के लिए, जब कमाओ भोग के लिए, माँ लक्ष्मी घर में आ। बोले क्यों? बोले तुम कहा भोग करेगी? बोले भैया लक्ष्मी का नारायण की, लक्ष्मी का नारायण की, वो हमारी लक्ष्मी थोड़ी है। लेकिन जब अपना भोग के लिए बुलाएंगे उल्लू पर बैठ करके आएंगे, लेकिन लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण की, अगर नारायण की सेवा के लिए बुलाओ ना, हे माँ लक्ष्मी आपकी बगैर तो ठाकुर की सेवा होगी नहीं,
आप रहोगे तब तो ठाकुर की सेवा होगी, माँ लक्ष्मी आओ ठाकुर की सेवा के लिए। तब वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, वो गरुड़ों को ऊपर बैठ करके आती है। आप लोग देखे होंगे लक्ष्मी को अकेली कभी गरुड़ के ऊपर बैठी नहीं और नारायण के साथ में बैठती। मतलब लक्ष्मी को जब घर में बुलाओ ठाकुर को सेवा के लिए ना, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आती है। गरुड़ कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ। गरुड़ कहाँ रहते हैं? वैकुंठ है कहीं। अगर ठाकुर को सेवा में लक्ष्मी लग जाती है तुम्हारे घर घर में ही, तुम्हारे घर को उन्होंने बोला वृंदावन बना देती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन बोलो तुम किस विषय पर बोलो? कुंती स्त्री पड़ गए आपने आपने भजन आज है। आज बहुत अच्छा तिथि है। आपको पता है आज क्या है? आज भगवान वामन देव का जन्म तिथि है। भागवत में भी आज ठाकुर जन्म लेंगे और वैसे ही आज भगवान वामन देव प्रकट होकर के बलि महाराज ने वरदान किया था। आज भगवान वामन देव भी अभी भगवान वामन देव प्रकट होने वाले और सुखदेव गोस्वामी जो चले गए थे, सुखदेव गोस्वामी कैसे आए इसकी कथा सुन करके फिर हम विस्तार देंगे। और जो कल है कथा की चौथा दिन है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे ठाकुर जी। बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की। जब मैया यशोदा गर्भधारण की, जितने ब्रजवासी थे ना सब छह छह महीना पहले 84 गज की लेटा चुदरी बना। बोले कन्हा जन्म होगा तो हम पहले करके हम ठाकुर को बधाई देने जाएंगे। इसलिए आप लोग भी कल जितने माता ने 84 गज के लहंगा पहन ले जाएंगे, ठीक है? और कौन सा रंग के पीले पीले रंग के, ठीक है ना? कोशिश करना हो सके पीले रंग के पहन करके आना, क्योंकि भगवान की जो वस्त्र का रंग पीला रंग है, ठीक है? अगर पीला रंग नहीं हो कोशिश करना जो बढ़िया। देखो शादी में जाओ ना कितने श्रद्धा जगह के जाते हैं। कल तक ठाकुर जी स्वयं जन्म लेने वाले। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, जो कपड़ा शादी में व्यवहार करते हो, जिसको पेटराम ने तो अलमारी में बैठे बंद कर खाना हो रहा है उसे सब निकाल का कर, ठीक है? निकाल करके गोपी भाव से, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके और बच्चों को सब बाल बाल बना करके गोपियां बना करके बच्चों को लाना। कल यहाँ धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे। अगर हो सके तो जैसे उसमें लुटाते हैं ना, टप्पी है, मकोना है, खिलौना है, अगर ला सके तो साथ में लेकर के आना, नहीं तो अपना हृदय में भाव को लेकर के आना। और माताएं तो सब सूट सलवार पहन करके आओगे, हमारे भाई लोग क्या पहन करके आओ? आप लोग कोशिश करना अगर सफेद रंग का, अगर आपको अगर धोती पैजामा हो है, अगर कुर्ता हो उसको पहन कर जाना, ठीक है? सफेद रंग का अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाना। कल हम लोग अच्छे तरह से भगवान का उत्सव मनाएंगे। अभी प्रभु जी भजन गाएंगे नाचने वाले, इसलिए हम लोग सबके सुखना चाहते Okay.
जय जय श्री राम। अभी हमारे प्रभु जी आपको कैसे से सुखदेव गोस्वामी वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बनकर के जंगल में चले गए थे। जब व्यास जब ने उनने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की तब उनको पूर्ण शांति मिली। अभी वो सोच रहे हैं कि ग्रंथ पढ़ाई तो पढ़ाई किसको, लेकिन जिस बच्चे के लिए मैंने बनाया था वो तो बच्चा बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी बनकर चला गया। अभी उन्होंने लाए कैसे सुखदेव गोस्वामी को, हमारे ये प्रभु जी आपको उसी विषय पर कथा सुनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी। हाँ देखो आप लोग सभी प्रसाद पा रहे थे ना, आज आपके लिए हमारी प्रेम लता दीदी जी, पूनम दीदी जी बढ़िया प्रसाद, क्या प्रसाद बोलेंगे, हलवा, छोले, चावल, खीर, बहुत कुछ बनाया है। इसलिए आप लोग सब ताली बजाओ सबसे पहले, प्रसाद ला करके फूल पेट में भर कर प्रसाद पा के जाए। रोज रोज प्रसाद की व्यवस्था है, माता सबसे ज्यादा चिंता रहती है घर में जाकर के रोसी बनाना, सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन चिंता ही नहीं, सबको लेकर के आओ, दोनों हाथ में लड्डू, भगवान की कथा प्रसाद भी मिलेगा और ठाकुर का प्रसाद भी मिलेगा, दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है ना। इसलिए कोई चिंता मत कर, सब दूर ले आना, बोले कथा भी सुनना और प्रसाद पा कर लेना। बोलो भगवान जन्म लेना, केक कटेगी। ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और इधर जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर प्रणाम अपने गुरु पाद पद्म परम आराधनतम श्री श्रीमद् भक्तिविदान श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवत कथा श्रोत मंडली, माता पिता प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं इसके प्रमुख श्रोता और वक्ता के विषय में आता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी और श्री परीक्षित महाराज। हम अभी श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार परीक्षित महाराज उनका जब राज्याभिषेक हुआ, आगे हम श्रवण करेंगे किस प्रकार वो शापग्रस्त हुए और उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की प्रेरणा हुई। लेकिन इसके जो वक्ता हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, श्रवणकादि ऋषि प्रश्न करते हैं शुद्ध गोस्वामी से कि आप अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी के विषय में हमें कुछ बताइए, क्योंकि हमने सुना है साधुओं का ऐसा चरित्र होता है कि वो कहीं पर एक ज्यादा समय तक रुकते नहीं, गौदोहन करने में जितना समय लगता है उतने समय तक साधु एक स्थान पर रुकता है। क्यों तो सुखदेव गोस्वामी ने सात सात दिन तक परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, और परीक्षित महाराज वे भी कोई साधारण नहीं, ससागर पृथ्वी के साम्राज्य उनके पास में था, तो उनके पास में इतनी फुर्सत कैसे हुई कि सात दिन बैठ के उन्होंने भागवत कथा सुनी। तब श्री शुद्ध गोस्वामी श्रोता और वक्ता दोनों के चरित्र का निरूपण करते हैं। अभी व्यासदेव जी जब आगे शोकग्रस्त थे उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से ग्रंथ की रचना करी, लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैंने बड़ा सुंदर ग्रंथ बनाया श्रीमद् भागवतम जो परमहंसों का मुकुट चूड़ामणि है, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ मैं पढ़ाऊं किसको, इसको श्रवण करने योग्य तो मेरा एक पुत्र था सुखदेव जो माँ के गर्भ में 16 साल तक रहा, कहीं कहीं पर आता है 12 साल तक। श्री शुद्ध गोस्वामी कहते हैं द्वष्ट वर्ष, अर्थात 16 साल की उम्र थी और लेकिन इतने नवकिशोर सरोवर इतना सुंदर स्वरूप उनका, 16 भी नहीं कह रहे हैं, द्वष्ट अर्थात 8 साल, और इतना सुकोमल बालक उनके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे बालक ने माँ के गर्भ से ही जन्म लेके और वन की ओर गमन कर लिया, ऐसा क्यों हुआ। तब उनके जन्म के विषय में बताते हैं, जब सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में थे उनकी बेटी का, कल हम जो कथा सुन रहे थे किस प्रकार अमरनाथ में
भोले बाबा कथा सुना रहे थे। शुभ पक्षी उठते उठते आया और बेटिका के गर्भ में प्रवेश किया। वो ही शुभदेव गोस्वामी के रूप में आए हैं। तो ये शुभदेव गोस्वामी अपने पिताजी इनसे प्रार्थना कर रहे थे कि बेटा तुम कौन हो, अपनी माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो। कोई बालक 9 महीने तक जो गर्भ में रहता है, माताएं जानती है कितना कष्ट होता है, और यदि कोई बालक 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे उसे कितना कष्ट भोगना पड़ रहा होगा। व्यासदेव जी बड़े प्रार्थना कर रहे थे कि तुम अपनी माँ को कष्ट मत दो, तुम बाहर आ जाओ। तो गर्भ से ही शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो ये माया मुझे ग्रास कर लेगी। भगवान की माया, माया के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मम माया दुरतया। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया से बचना आसान नहीं है, एकमात्र यदि मेरी कृपा किसी पर हो जाए तो वो माया से रक्षा पा सकता है। शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं माया में पड़ना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर रह के बड़े अच्छे से भजन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तब व्यासदेव जी कहते हैं कि भैया तुम बाहर आ जाओ, मैं माया को हटा दूंगा। बोले आप हटाओगे? आप तो खुद माया में पड़े हुए हो, आपको तो अपनी पत्नी की चिंता है, ये तो माया ही तो है। जो पत्नी अनित्य है, जो पुत्र परिवार अनित्य है, उसके लिए आप चिंतित हो रहे हो। तब उन्होंने कहा कि भगवान का वरद हस्त यदि मेरे पर, भगवान स्वयं यदि आकर कहे कि मैं उनकी माया को हटा रहा हूँ, तब जाकर मैं बाहर आऊंगा। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करी तब शुकदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। लेकिन माँ के गर्भ से निकलते ही और वन की ओर गमन कर गए। अरे अभी जिनका नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ था, उस नाड़ी को ही जनेव के रूप में अपने अंग पे लपेट के और वन की ओर भागते जा रहे हैं, और पीछे से व्यास देव जी उनके पीछे पीछे, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, पुत्र रुक जाओ, तनिक मेरी बात तो सुनो। अरे जिस पिता का बेटा जन्म से ही सन्यासी हो गई हो, उसकी क्या अवस्था रही होगी, और वो भी व्यासदेव जैसा। लेकिन यहाँ पर उनकी जी जो लीला है केवल मात्र हमारी शिक्षा के लिए है। व्यासदेव जी जो भगवान के साक्षात शक्तवेश अवतार हैं, शुकदेव गोस्वामी जो राधा रानी के प्रिय शुक हैं, क्या उनको कभी ऐसा मोह हो सकता है? उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं है, केवल मात्र लीला का अभिनय कर रहे हैं। जब पुत्र पुत्र करते हुए व्यासदेव जी पीछे पीछे जा रहे थे तो वृक्षों से प्रतिध्वनि आ रही थी कि कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, न जाने कितनी बार ये तुम्हारा पिता बना होगा, न जाने कितनी बार तुम इसके पिता बने होंगे। इसीलिए इस जगत में कोई किसी का पुत्र नहीं, एकमात्र संबंध है तो भगवान से। पिता अहमस्य दाता माता पिता हम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा पिता, तुम्हारा माता, मैं ही तुम्हारा एकमात्र संबंधी सगा हूँ, है ना। तो व्यासदेव जी जब वन में चले गए, जब शुकदेव गोस्वामी वन में चले गए, व्यासदेव जी विचार कर रहे हैं कि उनको वापस कैसे बुलाया जाए। अपने चार चेलों को नियुक्त किया कि मेरा एक कोई शुभ पक्षी वो खो गया है, उसे तुम्हें ढूंढ के लाना पड़ेगा। अभी सब चेले प्रश्न करने लगे कि जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे शुभ पक्षी, हमें कैसे पता चलेगा आपका तोता कौन सा है। तो उन्होंने 4 श्लोक सिखाकर भेज दिया, भगवान के रूप माधुरी का, भगवान की वेणु माधुरी का, भगवान की महिमा कीर्तन के 4 श्लोक सिखा के और वन में भेज दिया। पहला चेला वो जब वन में गया है तो भगवान की महिमा गान करने लगा, कहता है बरहा पीड़म नट वर बपु कर्णयो कर्णिकारम विद्रद वास अनच अपिशम जयंते जाते हैं अपने ग्वाल बाल सखाओं और धेनु के साथ में, गोपियां इस स्वरूप को देख रही है। भगवान ने सुंदर पीतांबर पहन रखा है, गले में वैजल की माला धारण कर रखी है और मुरली बजाते हुए सिर पर बड़ा सुंदर मयूर कुछ सुशोभित है, और सखाओं के साथ में बातें करते हुए उनकी कीर्ति गान करते करते सखाओं से परिवेष्टित होकर भगवान कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं। जब कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि गोस्वामी कहते हैं परम पदम भूषण भूषणांगम। यदि हम लोग सजते हैं, हम लोग कैसे सजते हैं देखो, हम लोग सजने के लिए सुंदर अलंकार पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भगवान का श्रीअंग इतना सुंदर बतलाया, भगवान यदि अपने श्रीअंग पर अलंकार पहनते हैं तो उससे अलंकारों की शोभा हो जाती है।
हम लोग तो गहने पहन के सुंदर लगते हैं, लेकिन गहनों की शोभा भगवान से होती है। गहने भी भगवान के श्रीरंग पे यदि चले जाएंगे अलंकार, तो उन अलंकार पूरी शोभा बढ़ जाती है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि इस प्रकार एक समय श्री सूरदास जी, वो देखने में तो उनके जड़ चक्षु नहीं थे, देखने में अंधे थे, लेकिन उनके हृदय के चक्षु सब समय भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते थे। कभी श्रीनाथ जी ने विठलनाथ जी ने दर्शन किया, श्रृंगार करके और ठाकुर का दर्शन खोला। अंधे थे लेकिन जैसा जैसा श्रृंगार होता था वैसा वैसा वर्णन करते थे। एक समय विठलनाथ जी के मन में शंका हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंधे ना हो, क्योंकि मैं जैसा जैसा श्रृंगार करता हूँ वैसा वैसा ही बोल देते हैं। एक समय उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहना है, केवल गले में मोतियों की माला दे दी और जैसे ही ठाकुर का दर्शन खुला, सूरदास जी से कहा कि बताओ बाबा आज ठाकुर ने कैसा श्रृंगार, आज का कैसा श्रृंगार हुआ है, आज ठाकुर ने क्या वस्त्र पहने हैं, जरा बतलाओ वर्णन करो। सूरदास जी वहां पर शर्मा रहे और शर्माते शर्माते बोल नहीं पाए, बोले आज तो ठाकुर का श्रृंगार बड़ा ही सुंदर है। अरे कैसा सुंदर है, थोड़ा वर्णन तो करो, थोड़ा बताओ तो। तब सूरदास जी कहते हैं आज हरि देखियो नंगा मनंगा, जल सुख भूषण अंग विराजे, छवि देखने को उठत तरंगा। अरे ठाकुर आज तो उनका क्या दिव्य स्वरूप है, आज तो ठाकुर ने वस्त्र ही नहीं पहने, और वस्त्र नहीं पहनने पर भी ये नंगम नंगा स्वरूप भी इतना दिव्य मनोहर लग रहा है, जल सुख भूषण अंग विराजे, गले में सिर्फ मोतियों की माला पहन रखी है, तब पर भी छवि देखत को उठत तरंगा। अरे देखने में इतने अपूर्व सुंदर लग रहे हैं, रूप की तरंगे उठ रही है उनके श्री अंग से, इतना मनोहर स्वरूप। जब कृष्ण के ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुना, दौड़े चले आ गए और उससे पूछने लगे भैया तुमने श्लोक कहाँ से सुना, क्या बोलते, बोले हमारे गुरु जी ने हमको ये श्लोक बतलाया। बोले अच्छा तुम्हारे गुरु जी के पास में हमें ले चलोगे, बोले हाँ निश्चय ले चलेंगे। बोले अच्छा मुझे एक बात बतलाओ, तुमने जिसके रूप का वर्णन किया है वो रहता कहाँ है, उसके बारे में और कुछ बतलाओ। तब दूसरा चेला दूसरा श्लोक कहता है जयति ते धिकाम जन्मना उनका धाम है ब्रज धाम, और ब्रज धाम भी साधारण धाम नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सत्व शुकल्प वृक्ष लक्षा प्रतिशु सुरभिर विपालयन्तम्। अरे भैया ब्रज धाम की धूली में इतनी शक्ति है, एक एक धूली कण वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है, जैसी इच्छा करोगे जो मांगोगे वही देने में सक्षम है। वहां पर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां झाड़ू लगा रही है, वहां की गाय साधारण गाय नहीं कामधेनु, जो इच्छा करोगे वो पूर्ण कर देगी, ऐसा ब्रज धाम है। कहते हैं श्रयत इंदिरा, वहां पर लक्ष्मी स्वयं नृत्य करती है, क्रीड़ा कर रही है गली गली में, इतना श्रेष्ठ ब्रज धाम है। अच्छा धाम भी बड़ा अच्छा है, रहने का स्थान भी बड़ा अच्छा है। पता है कि उनके परिवार के बारे में कुछ बता दो, अरे माता पिता घर में और कौन कौन है ये भी तो बताओ। तब तीसरे चेहरे ने तीसरा श्लोक कहा, कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं उनका नाम कृष्ण है और वो देवकी वसुदेव नंद यशोदा जिनके माता पिता हैं, बलराम जी जिनके भैया हैं, और उनकी अनेक अनेक गोपियों से उनका शोभा सुसज्जित होती है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण चंद्र हैं। तब वहां पर लास्ट अंतिम में प्रश्न करते हैं कि देखो अभी तो मैं ब्रह्म में लीन हूँ, अभी मैं और निर्विकार जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी मैं उपासना में लगा हुआ हूँ, ऐसा ना हो मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के और तुम्हारे साथ साथ में चलूँ और तुम्हारे ठाकुर मुझे अपनाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे रिजेक्ट कर दें, है ना। उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे किसी लड़की के लिए एक वर देखने जाओ, लड़का देखने जाओ, भैया देखने में परिवार वाले कैसे हैं, परिवार वाले भी सुंदर हैं, घर बार वो भी अच्छा चकाचक है, स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, मान लो झगड़ालू तो नहीं है,
हर समय लड़ता रहता हो, कलह प्रिय हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जीवन कौन लड़की काटेगी? काटेगी कोई नहीं। तो पूछ रहे हैं अंतिम श्लोक में कि उसका स्वभाव थोड़ा सा बतला दो। तब चौथे चेले ने चौथा श्लोक बोल दिया, अहो वकियम स्तन काल कूटम झिंगम सया काय यत अप्य साध्वी ले वेदतिम गात्री उचितम ततो अन्यम किंबा दयालु शरणम व्रजेम। अहो बकियम, अरे वो बकासुर की बहन पूतना जो विष कालकूट विष लेकर आई थी अपने स्तन में और केवल माँ बनने की एक्टिंग करी थी, केवल अभिनय मात्र किया था कुछ क्षण के लिए कि इतना सुंदर बालक इसको पल्ले में क्यों झुला रखा है, इसको तो गोद में उठाकर इसको स्तनपान कराओ, इसे प्रेम करो, केवल अभिनय मात्र ही तो किया था। थी कौन? राक्षसी। क्या लेकर आई थी भगवान के लिए? कालकूट विष। लेकिन ऐसी दुष्टा को भी धात्रोचित गति, उसको थाई माँ की गति प्रदान कर दी, ऐसा दयालु भला कोई होगा? किंवा दयालु शरणम व्रजेम। जब भगवान के ये गुण की महिमा सुनी सुखदेव गोस्वामी का हाथ उठा के किंवा दयालु शरणम व्रजेम, किंवा दयालु शरणम व्रजेम कहते कहते और पीछे 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 धावित होने लगे। चारों चेले ले आए व्यास देव जी के पास में, बोले लो भैया अपना पोता पढ़ाओ अभी इन्हें श्रीमद् भागवत। तो उसी समय पर व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये दिव्य भागवत का पाठ श्रवण करवाया है। उसी भागवत को परंपरा अनुसार श्री परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, वही सुखदेव गोस्वामी और सदगुरु की परंपरा के माध्यम से आज हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। यही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्प दुर्गश्य कृपा सिंधु जय। बामन देव का जन्मतिथि, भागवत में भी इनका जन्मतिथि और सही आज का दिन भगवान बामन देव ने अवतीर्ण हुए थे और बलि महाराज के ऊपर उन्होंने कृपा की थी। हमारे बीच में और एक प्रभु जी है जो आपको भगवान बामन देव के ही जगत में प्रकट हुए, आपको बामन देव के बारे में बताएंगे, ठीक है? और जब कथा विश्राम होगा ना तुम सब प्रत्येक हम लोग का परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवतम में ये वामन देव जी का जन्मतिथि तो आता ही है, वामन देव आविर्भाव होते ही है भागवत जी में, लेकिन आज सही में वास्तव रूप में जो तिथि है वो भी क्या है? वामन देव का आविर्भाव तिथि, मानो सोने में सुहागा है। तो देखो जिस समय समुद्र मंथन हुआ, अब समुद्र मंथन अमृत और विष, विष को पान किए शिव जी और बन गए नीलकंठ, और ये अमृत को पान करने के लिए देवता और असुरों में लड़ाई हुआ। अब तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करवा दी करके अमृत को दे दिया देवता को और सुरा यानी मदिरा आशीर्वाद देते हैं, बोलने चलो भृगुवंशी के ब्राह्मण को बुलाओ निमंत्रण करो। अब असुरों ने वही किया, बुद्धि तो असुर स्वभावे ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। अब पूछ रहे हैं हम तो असुर, आज तक कभी ब्राह्मण का सेवा किया नहीं, गड़बड़ी हो गया तो उल्टा विशाप मिल जाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा? तो शुक्राचार्य बोल रहे हैं आसन दासन व्यासन फिर भासन, पहले बुलाओ ब्राह्मण को, आसन दो उनको, बसन दो कपड़े पहनने के लिए वस्त्र दो, फिर चकाचक लिफाफा पकड़ाओ और पूरा पूरा फल मिठाई चकाचक रावड़ी माल को खिलाओ, फिर तो सुनो भासन।
क्या सुस्ती वाचन करेंगे ब्राह्मण, क्या उसका कृष्ण के बल है स्वयं देव गुरु बृहस्पति ने कि देवता को बोलते हैं, देखो देवता अभी इस पक्ष में क्या है ना प्रतिकूल अवस्था है, तुम्हारा जो समय है अभी अनुकूल अनुकूल अवस्था में नहीं है, समय तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, हो गया और फटाफट क्या करो सो यज्ञ कर लो, तो निश्चित रूप में सतर्क ऋतु बनोगे और तुम्हें ये स्वर्ग पद से कोई भी हटा नहीं सकता। तब ठीक है महाराज, तो बलि महाराज जी गए और नर्मदा नदी के ध्रुवकच्छु नाम का एक स्थान पे वहां पे बलि महाराज जी ने 100 यश मध्य करने का संकल्प ग्रहण किया। अब इस तरह इस दशा को देख के करो, अब पोय व्रत कम किए जाती है ना फाल्गुने फागुन में, फाल्गुन के महीने में किया जाता है और किस प्रकार पयो पयो यानी दूध, दूध पी के 12 दिन तक व्रत रखना पड़ता है, ब्राह्मणों को स्नान करवाना, ब्राह्मणों के चरण को प्रक्षालन करके और ठाकुर को अभिषेक करवाना है। क्यों? अरे गो ब्राह्मण नहीं था, मैं ब्राह्मण और गाय का विपरीत कभी नहीं जाता और इस समय असुरों का जितना भी बल क्या है ना ब्राह्मण की कृपा है, अब ब्राह्मण के विरुद्ध में नहीं, मुहूर्त यानी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब उच्च उच्च स्थिति में है और द्वादशी तिथि है और उसको विजया द्वादशी है और इसी समय भगवान वामन देव अदिति माता के गर्भ से प्रकट हो गए। नाम गर्म संस्कार पता नहीं गुरुदेव बोल रहे थे क्या क्या, टुल्लू उल्लू पिंकी पिंकी दे देते हैं का नाम है और चुड़ाकर्ण संस्कार पता नहीं कहाँ सेलून में जाके चुड़ा मतलब हेयर कट कर देते हैं, यदि आप देव भूमि में तीर्थ स्थान में चुड़ाकर्ण करना था, अन्न प्रसाद में संस्कार, इतने कितने संस्कार था हो गया, एक संस्कार बच गया था वो अंतिम कठोर प्रदान किया और अदिति देवी ने स्वयं उनका मृगकच्छ धारण करवाया।